डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। यस, मेरे एफ वाई यू जी पी सेकेंड सेम के स्टूडेंट, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक थीम को जितनी जल्दी हो पाए उसको कवर करें। जैसा मैंने पहले भी आपको बोला कि सिलेबस में चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह चेंज है। पॉलिटिकल कल्चर पहले भी था और इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई थी, तो इसमें कई स्लाइड जो हैं उस वीडियो के ही पार्ट हैं, लेकिन जहाँ भी सिलेबस चेंज हुआ है उसमें नई हमने डाली है। जैसे कि इसमें सब कल्चर, ये जो है बेसिकली पार्ट वन है। पॉलिटिकल कल्चर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में हम जो सिविक कल्चर, जो अलमेन एंड वर्बा की जो एक थेसिस है सिविक कल्चर, उस पे, और सब कल्चर जो डेनिस कावनाह का है उस पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल कल्चर एज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंड कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और स्टडी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इस पे हम लोग खासा चर्चा करेंगे। जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें जो पॉलिटिकल कल्चर के जो अलग अलग जो थिंकर ने दिए हैं, लाइक ग्राम्सची हैं, इंगलहार्ट हैं, इन सब के पे हम लोग एक छोटे वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज पार्ट वन ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स विच इज एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ सेकेंड सेमेस्टर एफ वाई यू जी पी। लेट अस बिगिन। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर के क्या मायने हैं, उसके जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में आपको लिखने होते हैं, उसके फीचर्स टाइप्स एंड वो क्या उसके रोल हैं, सिग्निफिकेंस इन स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इस पर चर्चा करेंगे। फिर जो आपके सिलेबस में स्पेसिफिक जो सब पॉइंट है सिविक कल्चर, अलमन, गैब्रियल अलमन एंड सिडनी वर्बा की जो थेसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 1963 में दिया था, उस पर खासा चर्चा करेंगे दो तीन स्लाइड में। और फिर जो सब कल्चर कॉन्सेप्ट जो डेनिस कावनाह ने जो दिया है अपने बुक पॉलिटिकल कल्चर में, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे दो तीन स्लाइड में। और फिर उसके बाद फाइनली ये देखेंगे कि पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच जो है उसकी क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में, एंड देन उसके जो कंट्रीब्यूशंस हैं जो इस विधा पे, मतलब पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच पे किन थिंकर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, उनके क्या बुक हैं, वो थोड़ा देखेंगे, और लास्ट में समअप करेंगे। अब आइए समझने की कोशिश करें कि पॉलिटिकल कल्चर के मायने क्या है, मीनिंग क्या है। कल्चर आपको पता है कि हमारी जो नॉर्म, बिलीव, वैल्यू सिस्टम, वर्ल्ड व्यू, हमारा वे ऑफ लाइफ, जो हम जेनरेशन बाय जेनरेशन जो है एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी लर्न करती है और उसको जो है कल्चर नैरेटिव से, स्टोरी से, मिथ से, वो एक दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करती है। एक लर्न बिहेवियर है जो हमें एक तरह का बेसिक फ्रेमवर्क देता है रियलिटी को समझने में और हमें जीवन जीने में हेल्प करता है, उसको हम कल्चर कहते हैं। उसका एक कंपोनेंट या एक पार्ट कह लीजिए पॉलिटिकल कल्चर है, जहां पे कि नॉर्म, वैल्यू, बिलीफ या एटीट्यूड, ओरिएंटेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब कैसे जो है एक कॉम जो है एक कम्युनिटी समझती है कि पॉलिटिक्स क्या है, उसके उसके लिए मीनिंग क्या है, मायने क्या है, पॉलिटिक्स में लोग कैसे बिहेव करते हैं, कौन सा जो बिहेवियर है वो पॉलिटिकल बिहेवियर है, हमारी आइडेंटिटी की हम क्या हैं पॉलिटिकली, और दूसरे की आइडेंटिटी से रिलेट करना और अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी से एक ग्रुप या कॉम की आइडेंटिटी को रिलेट करना, अपने ग्रुप की आइडेंटिटी को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करना, ये सब जो है हमारे पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट है। मतलब पॉलिटिकल कल्चर हमको ये इनेबल करता है इन सब पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझने में। How people make meaning of the political, जैसा मैंने आपको बोला कि कैसे हम समझते हैं कि क्या political है, identify themselves and other politically, pattern of political behavior that result from the political belief, values and attitudes of individual, हमारा क्या मतलब कि हम politics की तरफ हमारा क्या belief है, हम क्या सोचते हैं अच्छा है बुरा है कैसा है, वो हमारे लिए हम उसमें कैसे एसोसिएट करते हैं, हमारी वैल्यूज उसके लिए क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, ओरिएंटेशन क्या है टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल कल्चर इज टू द पॉलिटिकल सिस्टम व्हाट कल्चर इज टू द सोशल सिस्टम। एक कंपैरिजन देखिए, जिस तरह से हमारे सोसाइटी या सोशल सिस्टम के लिए कल्चर का रोल है ओवरआर्किंग, उसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम के लिए पॉलिटिकल कल्चर का रोल है, या वो इनटेंजिबल पार्ट है जो नहीं छुआ जाने वाला, जो पॉलिटिकल सिस्टम को गाइड भी करता है, उसको एक मीनिंग देता है और उसको एक फ्रेमवर्क देता है, एक ओवर आर्किंग पर्सपेक्टिव देता है, उसी के साए में पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, पॉलिटिकल कल्चर के साए में। पॉलिटिकल कल्चर हेल्प ऑर्गेनाइज मीनिंग्स एंड मीनिंग मेकिंग, दोनों ही चीजें, क्या मायने हैं और कैसे मायने फॉर्म होते हैं पॉलिटिक्स के, डिफाइनिंग सोशल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, बिल्कुल मैंने आपको बार बार बोला ये पॉलिटिकल कल्चर हेल्प करता है कि हम कौन हैं, हम हमारा ग्रुप कौन है और हमसे लोग आइडेंटिटी में दूसरे लोग कैसे अलग हैं, दूसरे ग्रुप कैसे अलग हैं,
स्ट्रक्चरिंग कलेक्टिव एक्शंस जो मिल करके ग्रुप में जो हम एक्शन लेते हैं उसको भी पॉलिटिकल कल्चर अफेक्ट करता है, एंड इम्पोजिंग ऑर्डर ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, पॉलिटिकल सोशल लाइफ को एक स्टेबिलिटी देता है, एक ऑर्डर देता है, एक तरह का समझिए कि सेम्बलेंस ऑफ एक ऑर्डर जो है जिसमें कि हम कायोस को जो है वो कम करता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल एरिना, पब्लिक ओपिनियन, रूल ऑफ द गेम्स, इथोस, ओरिएंटेशन एंड एटीट्यूड, इन सब नाम से जो है हम इसको मतलब कि सिनोनिमसली यूज करते हैं, एंड फाइनली एटीट्यूड्स ऑफ वेरियस इंटरेस्ट इन सोसाइटी, इन सब से जो है पॉलिटिकल कल्चर को इस इन वर्ड से जोड़ा जाता है। सो ओवरऑल आई होप कि आई कुड कन्वे कि पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग क्या है। एक बार फिर से देखिए, इट इज नॉर्म, वैल्यू, बिलीव, एटीट्यूड एंड ओरिएंटेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन नटशेल। यदि हम डेफिनेशंस देखें, मैंने कई जगह से लिया है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है एलमेंट एंड वर्बा का है, इसको जरा समझने की कोशिश करें, और बाकी भी जो है वो लगभग एक ही बात कहते हैं। एलमेंट वर्बा का मैं पढ़ रहा हूं, द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशन टुवर्ड पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। देखिए, मतलब जो पीपल हैं, जो सिटीजन हैं, जो एक कंट्री में रह रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन मतलब एटीट्यूड, बिलीव एंड मतलब थॉट, इसको ओरिएंटेशन कह सकते हैं, वो किस तरीके से ओरिएंटेड है या कैसे सोचते हैं टुवर्ड्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मतलब जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, सिस्टम है, लाइक स्टेट, आर्मी, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, कोर्ट, कचहरी, इंस्टीट्यूशंस एंड इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट है, एंड रोल ऑफ सिटीजन इन दैट सिस्टम। मतलब कि पहले तो उनका ओरिएंटेशन, एटीट्यूड एंड ओरिएंटेशन जो है कैसा है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ऑब्जेक्ट को आप सिस्टम कह लीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और अपना रोल वो कैसा देखते हैं उस सिस्टम में, क्या वो जुड़े हुए हैं कि बिल्कुल अलूफ हैं, एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, लाइक दैट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है। मतलब एक को दो तीन वर्ड में कहें तो पीपल का ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, उनकी सोच पॉलिटिक्स के बारे में। अब लूसियन पाई, जिन्होंने कि बहुत इस पे काम किया, उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री, खास करके इंडिया और डेवलपिंग कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर का स्टडी किया, और उससे ये समझने की कोशिश की कि पॉलिटिकल कल्चर मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट में किस तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, आड़े आता है या फर्दर करता है। उनका डेफिनेशन देखिए, पॉलिटिकल कल्चर इन्वॉल्व्स एट्रीब्यूट्स including attitudes, feeling, sentiments, belief and values which concern the nature of politics that give form and substance to political processes. तो ये basically क्या कहता है कि लोग का क्या feeling, sentiment, value, belief है regarding political system, वो कैसा feel करते हैं, क्या वो feel करते हैं कि हमारा political system समाज के लिए अच्छा है, बुरा है, हमें इसमें participate करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, politics गंदा है, पॉलिटिक्स अच्छा है, पॉलिटिक्स में करप्शन है, नहीं पॉलिटिक्स करप्शन फ्री है, पॉलिटिक्स जो है वो पीपल के बारे में सोचता है, नहीं पॉलिटिक्स जो है कुछ पॉलिटिशियन अपने बारे में सोचते हैं, किस तरीके का उनका बिलीफ सिस्टम है, किस तरह का वैल्यू अटैच करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल सिस्टम से। एक ही बात लगभग दूसरी तरीके से, यदि एंड्रयू हेवुड, जो जिन्होंने काफी बुक लिखे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे पॉलिटिकल साइंस में, इनका कहना है द पॉलिटिकल कल्चर इज पीपल्स साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन। ये पूरा साइकोलॉजी है, आप समझ लीजिए, लोग कैसे दिमाग में एक चित्र बनाते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम का, वो चित्र गंदा होता है कि अच्छा होता है, कि आप उससे जो है जुड़ाव महसूस करते हैं, कि आप उससे अलगाव महसूस करते हैं, ये सारी जो है पॉलिटिकल, और ये ओरिएंटेशन आपका है टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। इट इंप्लाइज ए पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशन टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज पार्टीज, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस एक्सप्रेस्ड इन बिलीफ, सिंबल्स एंड वैल्यू। वेरी मच सेम थिंग जो कि अलमन भरवा कहते हैं, मतलब एक जनरल ओरिएंटेशन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पीपल। डेनिस कवाना, जिसपे हम लोग और चर्चा करेंगे उनके सब कल्चर कॉन्सेप्ट का, उनका कहना है इट इज सेट ऑफ वैल्यू, बिलीफ एंड एटीट्यूड within which a political system operate. तो एक तरह का ये environment देता है political system को। यदि ये political system है तो इसके overall उस political system जिसके साये में काम करता है वो value, belief and attitude का जो एक समझिए कि समुद्र है, जिसके साये में एक political system operate करता है, वो political culture है। उसको एक तरीके से overarching normative
एक पिलर देता है, नॉर्मेटिव एक एंकर देता है पॉलिटिकल कल्चर, मतलब एक अलग तरीका। आप सऊदी अरब का आप देखेंगे तो वहां की जो पॉलिटिकल कल्चर है वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को गाइड करती है, और इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर इसके पॉलिटिकल सिस्टम को गाइड करता है। दोनों जो है अलग अलग, चूंकि समुद्र में है, अलग अलग यूनिवर्स में है एज फार एज पॉलिटिकल कल्चर इज कंसर्न, इसलिए अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में वो कल्चर मैनिफेस्ट करता है। मतलब जैसे यहाँ नेता का बिहेवियर होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी जजेज कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे लेजिस्लेचर फंक्शन करते हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का नाता क्या है, लेजिस्लेचर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर का, ये सब जो है कितना रूल फॉलो लोग करते हैं कितना नहीं करते हैं, स्टेटस पावर डायनेमिक्स, जो जो डोमिनेंट ग्रुप एंड मार्जिनलाइज ग्रुप, ये सब जो पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखते हैं मैनिफेस्टेशन, वो इस जो साया जो हमारा ओवर आर्किंग जो पॉलिटिकल कल्चर है उसका एक तरह से प्रतिरूप है या फंक्शन है। और जो पॉलिटिकल कल्चर इटसेल्फ जो है, जो लार्जर कल्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं कल्चर क्या है, जो लर्न बिहेवियर ह्यूमन का होता है, जो हजारों सालों से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कि कैसे सोचना चाहिए, क्या हमारे वैल्यू सिस्टम है, क्या नॉर्म है, क्या कन्वेंशन है, क्या फूड हैबिट है, क्या हमारे त्यौहार हैं, किस टाइप से हम जो है सेलिब्रेट करते हैं, कैसे दुख मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारा जो लर्न्ड बिहेवियर है जो एक ह्यूमन अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करता है, चाहे लिख के चाहे बोल के माता पिता अपने बच्चों को, उसको कल्चर कहते हैं। लर्न्ड बिहेवियरियल पैटर्न इज कल्चर। उस कल्चर का पॉलिटिकल रूप जो है पॉलिटिकल कल्चर है, और उस कल्चर को मूर्त रूप देता है पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें हम अपना ओरिएंटेशन बनाते हैं। फाइनल देखें तो पैट्रिक ओनील का है कि पॉलिटिकल कल्चर एज द नॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी इन सोसाइटी। तो सभी लोग क्या कह रहे हैं कि बेसिकली जो पॉलिटिक्स के संबंध में जो हमारा बिलीफ है, हमारे वैल्यू है, हमारे नॉर्म है, हमारा एटीट्यूड है, हमारा ओरिएंटेशन है, उसको इन जनरल हम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। मतलब हम कैसा बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, उसको हम कैसा देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, और अपना रोल उसमें क्या देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, क्या एक्टिव देखते हैं, इनएक्टिव देखते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं और कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी जो पॉलिटिकल सिस्टम से जो हमारा जुड़ाव और हमारा जो मत है वो पॉलिटिकल कल्चर है। सो इन नटसेल पॉलिटिकल कल्चर इज तीन चीजों से देखिए, हाउ मच पीपुल आर अवेयर अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, processes, मतलब motives, interest and power, identities and institutions, मतलब ये कितना हम अवेयर हैं इन सब के बारे में, ये हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। मतलब कॉग्निटिव में तो दिमाग में जो हम नॉलेज या नो हाउ लेते हैं उसको कॉग्निटिव एस्पेक्ट या कॉग्निशन कहते हैं। तो कितनी समझ है हमें पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल प्रोसेसेस और उसके कंपोनेंट के बारे में, एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा है व्हाट आर देयर फीलिंग्स एंड अटैचमेंट्स टुवर्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, हम कैसे सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, अच्छा है बुरा है, हम उससे जुड़े हुए हैं अलूफ हैं, ये अफेक्टिव या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। और थर्ड है इवैल्यूएटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, दैट इज हाउ पीपल इवैल्यूएट और असेस द आउटकम्स, दैट इज पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, हम कैसा उसको अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं, कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमें अच्छी पॉलिसीज दे रहा है, हमारे हमें लाइफ को जीने में मदद कर रहा है या हमें कठिनाई पैदा कर रहा है, ये जो ओरिएंटेशन होता है ये भी पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट है। तो नट सेल में हम क्या जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम प्रोसेस के बारे में, हम कैसे उसके बारे में फीलिंग रखते हैं, उससे कैसे अटैच होते हैं और उसको कैसे एसेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ये तीनों मिल करके एक सोसाइटी का पॉलिटिकल कल्चर बनाता है। अब जो है इसको मायने को समझने के बाद आइए एक फॉर्मल वे में देखें कि इसके कुछ डेफिनेशंस जो बहुत फेमस ऑथर्स ने जिन्होंने इस पे काम किया उन्होंने कैसे दिया। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसको लिख सकते हैं, मैं केवल पढ़ देता हूं। मैंने ब्रैकेट में जो है जो ऑथर है उनके नेम भी दिए हैं, सेट ऑफ वैल्यूज बिलीफ एंड एटीट्यूड्स विद इन विच पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट, केविन कॉगन सर, इज स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ इन पॉलिटिकल सिस्टम, मैक्रीडीज के अनुसार इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ इन पॉलिटिकल सिस्टम। अलमंड एंड वर्मा जितने की सबसे ज्यादा जो है पॉलिटिकल कल्चर पे काम किया है उनकी 1963 की बुक सिविक कल्चर जो है उसने एक तरह से डिफाइन किया कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, हम आगे उसको देखेंगे भी। उन्होंने इसको डिफाइन किया इट इज पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब हम किस तरह से विमुख होते हैं, मतलब हमारा सोच क्या होती है या एटीट्यूड क्या होता है, पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशन टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग द मेंबर्स ऑफ नेशन और सोसाइटी।
पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स उनके अनुसार से बोथ टेंजिबल पॉलिटिकल एस्पेक्ट है लाइक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, और इनटेंजिबल पॉलिटिकल एस्पेक्ट है लाइक अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, कन्वेंशन. सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ एंड सेंटिमेंट्स दैट गिव ऑर्डर एंड मीनिंग टू ए पॉलिटिकल प्रोसेस एंड विच प्रोवाइड द अंडरलाइन एजम्पशंस एंड रूल्स दैट गवर्न बिहेवियर इन पॉलिटिकल सिस्टम. ये इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज का डेफिनेशन है पॉलिटिकल कल्चर का. एंड फाइनली मैंने बेकर का डेफिनेशन लिया है जो बहुत कंप्रिहेंसिव है. द एक्टिविटी थ्रू विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इन एनी सोसाइटी आर्टिकुलेट, निगोसिएट, इम्प्लीमेंट एंड इनफोर्स कंपीटिंग क्लेम्स इंटरेस्ट मोटिव कंपीटिंग क्लेम्स एंड दे मेक अपॉन वन अनदर एंड अपॉन द होल. पॉलिटिकल कल्चर इज इन दिस सेंस आर द सेट ऑफ डिस्कोर्सेज और सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस बाय विच दीज क्लेम्स आर मेड. तो कैसे हम जो है मोटिव फॉर्म करते हैं या मोटिव्स को समझते हैं, इंटरेस्ट फॉर्म करते हैं, इंटरेस्ट समझते हैं, कंपीटिंग इंटरेस्ट और क्लेम्स जो है अपने दूसरे के बारे में कैसे उसको रिकनसाइल करते हैं और उसको कैसे हम जो अचीव करने की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये सब मिल करके पॉलिटिकल कल्चर बनाता है. सो दीज आर सम ऑफ द डेफिनेशन. इसको और समझने के लिए मैं हमेशा फीचर्स देता हूं कॉन्सेप्ट के, वो एक तरह का मायने का ही एक तरह का विस्तार है या कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए. तो पॉलिटिकल कल्चर के कुछ फीचर्स देखें तो कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल कल्चर ऑफ द नेशन कम्युनिटी. मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ओवरऑल जो नेचर है उसका एक कंपोनेंट पार्ट है. गेन्ड मोमेंटम एज एन अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑन द वेक ऑफ बिहेवियरल मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस 1950s. आपको मैंने कई बार बताया है और आपको पता होगा कि बिहेवियरल मूवमेंट जिसमें कि इसको एक साइंटिफिक आयाम दिया गया पॉलिटिकल साइंस के थ्योराइजेशन को, जिसमें यह कहा गया कि ह्यूमन जो इंडिविजुअल का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना कि कैसे एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल सेटिंग में या पॉलिटिकल बिहेवियर शो करता है, उससे कैसे पॉलिटिकल फेनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बिहेवियरल अप्रोच था. और ये जो पॉलिटिकल कल्चर था इसने हेल्प किया बिहेवियरलिज्म में, क्योंकि जो पॉलिटिकल बिहेवियर है इंडिविजुअल का वो उसके पॉलिटिकल कल्चर का जो है फंक्शन होता है. हर पॉलिटिकल कल्चर में जो इंडिविजुअल होता है वो इम्बेडेड होता है अपने कल्चर में, और जो उसका जो बिहेवियर होता है पब्लिक में या पॉलिटिकल जो बिहेवियर होता है वो गाइडेड होता है उसके पॉलिटिकल कल्चर से. तो यदि हम पॉलिटिकल कल्चर को समझते हैं तो उसके बिहेवियर को समझने में आसानी होगी और उससे हम ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे पॉलिटिकल फिनोमेना को. तो इसीलिए बिहेवियर मूवमेंट के समय में पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच का बहुत बोलबाला हुआ और शुरुआत हुई. इट कम्पीट्स विद द रैशनल चॉइस एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल. जो दो कम्पीटिंग अप्रोच हैं वो है रैशनल चॉइस. मैंने आपको साइमन का रैशनल चॉइस थ्योरी बताया, जिसमें कि ये माना जाता है कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बेस्ट जो ऑब्जेक्टिव डिसीजन जो हो सकते हैं वो लेते हैं, जिससे कि वो बेटर ऑफ हो सके. और सभी जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो इसी रैशनल चॉइस का जो है फंक्शन है. ये इस अप्रोच से एक तरह से पॉलिटिक्स को देखने की कोशिश की जाती है रैशनल चॉइस थ्योरी में. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहता है कि जो भी पॉलिटिकल बिहेवियर है हमारे इंस्टीट्यूशन, जो नॉर बिलीव पैटर्न बिलीव, जैसे कि मान लीजिए हमारा पार्लियामेंट है, हमारी फैमिली है, वो भी इंस्टीट्यूशन है, हमारी सोशल नॉर्म्स है, जो स्ट्रक्चर सोसाइटी में बनते हैं उससे जो है हम बंधे होते हैं. एक इंडिविजुअल का बिहेवियर उसके इंस्टीट्यूशन का फंक्शन होता है. तो इन दोनों से जो है ये कम्पीट करता है पॉलिटिकल अप्रोच. सिंस पॉलिटिकल कल्चर इज स्पेसिफिक टू ए नेशन कम्युनिटी, क्योंकि हर नेशन कम्युनिटी का अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर होता है. इट अपोजेज इनवर्सलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एग्रीगेशन. आपको पता है कि रैशनल चॉइस थ्योरी कहता है कि घाना का कोई आदमी हो चाहे अमेरिका का कोई व्यक्ति हो, दोनों एक ही तरह से अपना इंटरेस्ट फॉर्म करता है और इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए रैशनली डिसीजन मेकिंग करता है. रैशनल चॉइस थ्योरी ये कहता है कहीं पे भी इंटरेस्ट को यदि आप लेंगे तो वो यूनिवर्सल है, चाहे इंडिया के लोगों का इंटरेस्ट हो चाहे अमेरिका का हो, और उससे जो है जो थ्योरी बनती है यूनिवर्सल थ्योरी बनती है. पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच को काटता है क्योंकि ये कहता है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो एक स्पेसिफिक नेशन के अपने सोशियो कल्चरल सेटिंग का फंक्शन होता है, इसलिए हर जगह का पॉलिटिकल बिहेवियर यूनिक होगा जो कि उसके पॉलिटिकल कल्चर से गाइडेड होगा. तो इसलिए ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक नया आयाम देता है, क्योंकि आप जो है कंपैरिजन करते हैं उसके अपने ही सेटिंग में जो पॉलिटिकल फिनोमेना है उसी के पर्सपेक्टिव से उसको समझ करके आप कंपैरिजन करते हैं. आइडिया ऑफ कल्चरल प्लूरिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म और मल्टीकल्चरलिज्म, मैंने तीनों आपको जो है कई वीडियोस में बताया है,
इससे ये सब जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक ही नेशन में मल्टीपल कल्चर होते हैं और बहुत कल्चर एक साथ जो है पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में देखिए कितने तरह के जाति हैं, धर्म है और कितने तरह के इंटरेस्ट हैं, मोटिव्स हैं ग्रुप ग्रुप के, और सबका अलग अलग है, वो मिल करके जो है कल्चरल प्लूरिज्म बनाते हैं। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाई विच एन इंडिविजुअल इज इंडक्टेड इन टू पॉलिटिकल कल्चर। देखिए कैसे हम पॉलिटिकल कल्चर में इंडक्ट होते हैं या पॉलिटिकल कल्चर को हम समझते कैसे हैं। बचपन में फैमिली में जो है हमें जो वैल्यूज दिए जाते हैं, फिर दोस्त हमें जो बताते हैं, स्कूल्स में टीचर हमें बताते हैं, फिर हम बड़े होते हैं कॉलेजेस में ग्रुप में और फिर सोसाइटी में डिफरेंट जगह इंटरमिंगल करते हैं, जॉब प्लेस पे, इन सब से पढ़ करके लोगों के आइडियाज को जान करके हम जो है अपने पॉलिटिकल कल्चर को समझते हैं और उसको इंटरनलाइज करते हैं और फिर हम उसके पार्ट बन जाते हैं और फिर हम अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को और अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सोशलाइजेशन बोलते हैं। कैटेगराइज तो इसके जो डिफरेंट कैटेगरी या टाइप दिए जाते हैं, बहुत तरह के टाइप हैं, जैसे कि मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, डेवलप्ड, लो, मिनिमल, होमोजीनियस, फ्रैगमेंटेड, सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर, मास पॉलिटिकल कल्चर, इलीट पॉलिटिकल कल्चर, रूरल वर्सेस अर्बन पॉलिटिकल कल्चर एंड ऑल। हम लोगों ने कुछ जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, जो कि आलमंड और भारबा के, ऐसे आप नेट पे जाके चाहें तो जितने भी हैं इस तरह के टाइप्स पढ़ सकते हैं, जो कि एक सैमुअल फाइनर ने दिया है, कुछ मैंने इसमें दिया है और कई ऑथर ने भी इसको कैटेगराइज करने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग आलमंड एंड भारबा का देखेंगे। तो दीज आर फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अब यदि हम समझें कि कल्चरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, यहाँ पे कल्चर मैंने यूज किया है, मतलब पॉलिटिकल कल्चर एक पार्ट समझ लीजिए, पॉलिटिकल कल्चर भी कह सकते हैं आप। कल्चर प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच पॉलिटिक्स आर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मीनिंग है पॉलिटिक्स के, जो आइडेंटिटी को समझने की बात है और अपने ग्रुप से कैसे लोग रिलेट होते हैं, एक अपने ग्रुप की जो जो फेट होती है उसको दूसरे से कैसे अलग समझते हैं, कैसे इंटरेस्ट फॉर्मुलेट होता है या क्लेम जो है एक दूसरे के ऊपर कैसे फॉर्मुलेट होता है और कैसे उसको अचीव करने के लिए मिलजुल के कैसे लोग डिसीजन लेते हैं, ये सब की समझ के लिए जो कॉन्टेक्स्ट है वो कल्चर से ही हमें मिलता है। तो इसीलिए जो डेफिनेशन इंटरेस्ट का है, पावर का है, मोटिव का है और कैसे इंटरेस्ट परसू किया जाता है, ये सब जो है इसको जो एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है, कॉन्टेक्स्ट जो है, वो पॉलिटिकल कल्चर ही देता है। कल्चर फॉर्म एंड लिंक्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया है। इट डिफाइंस ग्रुप बाउंड्रीज एंड ऑर्गेनाइजेज एक्शंस विद इन एंड बिटवीन देम। तो ये ना ग्रुप फीलिंग है कि हम एक कम्युनिटी, हमारी एक तरह की पॉलिटिकल सोच है और जो दूसरी कम्युनिटी है उनकी सोच हमसे अलग है, तो ये जो एक इन ग्रुप फीलिंग जो है उसको ही बनाता है और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि दूसरे ग्रुप से हम पॉलिटिकली कैसे सेपरेट हैं। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग द एक्शंस एंड मोटिव्स ऑफ अदर, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल एक्शंस एंड मोटिव। उसको पॉलिटिकल एक्शन को समझने का, किसी की मोटिव या इंटरेस्ट को समझने का जो एक समझिए कि समझ के लिए जो जरूरी है वो पॉलिटिकल कल्चर है। कल्चर ही हमको वो फ्रेमवर्क देता है, वो पर्सपेक्टिव देता है जिससे कि हम इसको समझ सकते हैं लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर, एक्शंस, मोटिव्स को। इट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है इंडिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो कि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफकोर्स पॉलिटिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक पर्टिकुलर कल्चर को नर्चर करता है, उसको यूज करता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और मोबिलाइजेशन में, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी है और अभी वो रूल भी कर रहे हैं। तो ये जो है एक एग्जांपल। इसी तरह से कई और कल्चरल सोर्सेज से जो है पॉलिटिकल मूवमेंट्स इंडिया में होते रहे। इनफैक्ट गांधी जी ने भी जो है कल्चरल नॉर्म्स को इन्वोक किया था, जो हिंदू फिलॉसफी है, जो सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, उसको उन्होंने एक कल्चरल फोर्स के रूप में यूज किया पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने को नेशनल मूवमेंट के टाइम में। इट हेल्प स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी एंड चेंज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो है जैसा मैंने आपको बताया कि आलमंड भारबा ने भी कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटी को जो स्टेबिलिटी देता है और फिर चेंज भी कैसे कर देता है, इन दोनों को समझने के लिए जो है पॉलिटिकल कल्चर या कल्चर की समझ बहुत जरूरी है। तो दीज आर द कल्चरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। अब यदि देखें कि पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, देखिए उसका एक सब पार्ट पिछला स्लाइड है, जनरल था कि कल्चर कैसे पॉलिटिक्स को समझने में हेल्प करता है, स्टडी करने में, यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हेल्प स्टडी पॉलिटिक्स इन डिफरेंट सेटिंग कॉन्टेक्स्ट। जैसा मैंने आपको बार बार बोला कि ये अब यूनिवर्सलाइजेशन को खत्म करता है,
आपको पॉलिटिकल फिनोमिना, पॉलिटिकल प्रोसेस और उसके इंस्टीट्यूशन को उसी के उस सोसाइटी के कल्चरल सेटिंग में जाके स्टडी करनी है। इससे आपका बहुत मीनिंगफुल हो जाता है जो पॉलिटिकल की जो स्टडी है, जो कंपेरेटिव स्टडी है, ये कॉन्टेक्चुअलाइज हो जाता है, लोकल सेटिंग में चला जाता है, इसलिए आप उसको बेहतर समझ पाते हैं, बेहतर कंपेयर कर पाते हैं, जो आलमंड भरवा ने 5 कंट्री के लिए करके दिखाया। इट हेल्प अंडरस्टैंड पॉलिटिकल बिहेवियर एंड मोटिव्स, एकदम ऑब्वियस है क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो उसको एक फ्रेमवर्क देता है, एक पर्सपेक्टिव देता है, आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर और मोटिव को, यदि आप उस कल्चर को, पॉलिटिकल कल्चर को समझते हैं। इट हेल्प एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमिना, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल, क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं वो उसके लिए जो ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क है वो पॉलिटिकल कल्चर ही है। यदि आप पॉलिटिकल कल्चर को समझते हैं तो लोगों के जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, इंटरेस्ट हैं, बिहेवियर हैं, पॉलिटिकल एक्शंस हैं और उससे जो पॉलिटिकल सिस्टम या इंस्टीट्यूशन बना है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो सकती है। इट मेक कंपेरिजन मोर मीनिंगफुल, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि सोलाइज करता है, लोकल सेटिंग में ही पॉलिटिकल फिनोमेना को स्टडी करता है, इसलिए कंपेरिजन ज्यादा मीनिंगफुल होती है, डीप होती है। इट हेल्प जनरलाइजेशन एंड प्रेडिक्शन, आप जो है जनरलाइज कर सकते हैं, आप 10 पॉलिटिकल कल्चर को पढ़ करके आप जनरलाइज कर सकते हैं कि इस पॉलिटिकल कल्चर में इस तरह का पॉलिटी होगा, ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा और आगे क्या हो सकता है, ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे हाइपोथेसिस और थ्योरी बिल्डिंग में मदद मिलती है। सो दीज आर पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच टू कंपैरेटिव। अब यदि हम फाइनली देखें कि इसकी जो लिमिटेशंस है कल्चरल एनालिसिस इन कंपैरेटिव, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे लिमिटेशंस है। सबसे पहले तो यूनिट ऑफ एनालिसिस प्रॉब्लम है। आपको पता है कि कल्चरल बाउंड्री खींचना बहुत डिफिकल्ट है। वैसे मैंने कह दिया कि इंडिया पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर अलग है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश और पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये सब एक रहा था 70 साल पहले, हमारा एक तरह का जो है सोच है। इनफैक्ट पॉलिटिकल कल्चर जो है वो नेशन स्टेट के बाउंड्री को पार कर जाता है। यदि आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि अक्रॉस द अटलांटिक जो है यूएसए और यूके में जो है पॉलिटिकल कल्चर सेम है, पूरे कंटिनेंटल यूरोप में पॉलिटिकल कल्चर सेम है, पूरे ईस्टर्न यूरोप में जो है जो पॉलिटिकल कल्चर सेम है, साउथ ईस्ट एशिया में आपको फील होगा कि कोरिया हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे वो वियतनाम हो, लाओ, कंबोडिया और ये सब जो कंट्री हैं उन सब में, फिलीपींस, इन सब में पॉलिटिकल कल्चर एक जैसा है। तो इसलिए पॉलिटिकल कल्चर में ये प्रॉब्लम होती है कि यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, कैसे हम बाउंड्री खींचे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कल्चर इज नॉट होमोजीनियस। दूसरा होता है कि कल्चर जब हम कहते हैं इंडियन कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, ऐसा कुछ होता है क्या? हमारे यहाँ मल्टीपल पॉलिटिकल कल्चर हैं, सब कल्चर है, रिलीजन के बेसिस पे हैं, कास्ट के बेसिस पे हैं, रूरल अर्बन जो है डिवीजन है पॉलिटिकल कल्चर में, गांव की पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल अलग है देहात की पॉलिटिकल कल्चर और शहर की पॉलिटिकल कल्चर, जो इलीट होते हैं उनका पॉलिटिकल कल्चर एकदम बिल्कुल अलग होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, जो लीडर्स हैं, जो समाज को चलाते हैं और जो मासेज है उनका पॉलिटिकल कल्चर अलग है। तो इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है इसको यूज करना। वेग डेफिनेशन ऑफ कल्चर, कल्चर इटसेल्फ जो है इतना फजी कॉन्सेप्ट है, इतना एमोर्फस कॉन्सेप्ट है, इतना डिफ्यूज कॉन्सेप्ट है और इसके इतने मायने हैं कि सब कुछ जो है कल्चर में समाहित हो जाती है इसलिए। और जो दूसरा जो इसके बहुत सारे जो अलग और अलग कॉन्सेप्ट है, लाइक जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइकोलॉजी बोलते हैं, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, इन सबसे ये इतना ज्यादा टकराता है, नेशनल मूड, नेशनल कैरेक्टर, पब्लिक ओपिनियन, ये सब को हम कल्चर में जोड़ देते हैं, इसलिए वेग डेफिनेशन के चलते इसकी स्टडी, इसको यार्ड स्टिक करके स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कल्चर जो है एक और प्रॉब्लम पैदा करता है, वो है कि जो डायनेमिक नेचर ऑफ पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिक पल पल बदलता है लेकिन कल्चर जो है सालों साल स्टेबल रहने का नाम कल्चर है। तो ये स्टेबिलिटी जो समाज में कल्चर से आता है वो कैसे डिफाइन करेगा या कैसे एक्सप्लेन करेगा डायनेमिक नेचर ऑफ पॉलिटिक्स को, ये एक अलग प्रॉब्लम है। कल्चरल एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो अपने आप में सेल्फ स्टैंडिंग नहीं होते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है सोशल मैकेनिज्म्स या सोशल फिनोमेना को बताने के लिए। केवल आप ये कह देंगे कि ये ऐसा घटना इसलिए हुआ, मतलब हिटलर ऐसा इसलिए कर पाया कि वो जर्मन कल्चर जो है अलग है, ऐसा कह देने से आपको नहीं हो जाएगा कि लोग समझ जाएंगे कि हाँ जर्मन होने के चलते जो है हिटलर ऐसा कर पाया या जर्मन सोसाइटी में ऐसा कर पाया। जर्मन सोसाइटी या जर्मन कल्चर में क्या ऐसे सोशल मैकेनिज्म्स थे उस टाइम में, क्या सोशल फिनोमेना थे जिसके चलते कि हिटलर उस टाइप का बिहेव कर पाया, तो आपको वो सेल्फ स्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। कल्चरल एक्सप्लेनेशन आर जस्ट सो स्टोरी, मतलब जस्ट आपको स्टोरी टाइप का लगेगा कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बहुत रिग्रेस जो कॉज एंड इफेक्ट जो अकाउंट होता है जिससे कि इंपेरिकल एनालिसिस की जा सकती है, वैसा करना कल्चरल एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट होता है। ये भी इसके बहुत बड़ी लिमिटेशन है। पॉलिटिकल कल्चर वॉज बींग यूज एज ए रेसिडुअल कैटेगरी, जब कोई और नहीं मिले, रैशनल चॉइस, इंस्टीट्यूशनल, सबसे आप थक जाते हैं, कुछ नहीं आपको समझ में आता है, तो आप एज ए बचा खुचा हुआ एक अप्रोच के तौर पर कल्चर को ले आते हैं।
and so is a residual category for all that cannot be explained by other theories and thus has no theoretical defensible conceptual ground of its own. इसलिए ये self standing जो है explanatory जो है theory बनाने में ये help नहीं कर पाता है. So these are the limitations of cultural analysis in comparative. आइए अब एक जो जनरल हम लोगों ने समझ लिया कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, कैसे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक अप्रोच है, कैसे हेल्प करता है. अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं जो आपके सिलेबस में स्पेसिफिक है, सिविक कल्चर, जो कि आलमंड एंड भरवा ने 5 कंट्री के स्टडी करके इंपेरिकल वे में 1963 में बुक लिखा था सिविक कल्चर, जिसने एक तरह से तहलका मचा दिया था. लेट अस डिस्कस इन फ्यू स्लाइड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक कल्चर गिवन बाय आलमंड एंड भरवा. आलमंड मतलब गैब्रियल आलमंड एंड भरवा मतलब सिडनी भरवा. अब आइए जो सिविक कल्चर जो आलमंड भरवा ने जो कॉन्सेप्ट दिया ये इसने एक तरह से समझिए तहलका मचा दिया था. ये 1963 में इन्होंने बुक लिखा था द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन फाइव नेशंस. वो जो फाइव नेशन जिसमें इन्होंने स्टडी किया था और वो इंपेरिकल स्टडी थी, याद रखिएगा, मतलब ये बड़ा यूनिक था कि पॉलिटिकल कल्चर को एक इनटेंजिबल या सॉफ्ट सब्जेक्ट समझा जाता था उस समय तक, जो साइकोलॉजिकल था उसको आप बिहेवियरलिज्म के तर्ज पे कि आप इंपेरिकली डेटा कलेक्ट करें, सर्वे करें, ऑब्जर्वेशन करें, इंटरव्यू लें और फिर इस डेटा को क्लासिफाई करके और थ्योरी बिल्ड करें इंडक्टिव मेथड से, ये सब बहुत नया था. तो इन्होंने एक साइकोलॉजिकल इंटेंजिबल जो कॉन्सेप्ट था पॉलिटिकल कल्चर, उसको इन्होंने बिहेवियरलिज्म के मेथड से, जिसको पॉजिटिविज्म या बिहेवियरलिज्म या इंपेरिसिज्म कहते हैं, उसके मेथड से स्टडी करने की कोशिश की. ये बड़ी खास बात थी. तो इन्होंने किया क्या इस बुक को लिखने के लिए और इस सिविक कल्चर के कॉन्सेप्ट को एक्सपाउंड या एक्सप्लेन करने के लिए, इन्होंने 5 कंट्री को चुना, यूएसए, यूके, मैक्सिको, इटली, जर्मनी, और इन्होंने उसमें हजार हजार लोग जो हैं उनका डिटेल जो है इंटरव्यू लिया. बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अच्छा है, बुरा है, आप उससे जुड़ाव कैसा महसूस करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने बनाए और उस क्वेश्चन के बेसिस पे उन्होंने उसको समझने की कोशिश की कि इन 5ों कंट्री का कल्चर किस टाइप का है और उसको क्या हम जनरलाइज करके कल्चर को कुछ टाइप में बांट सकते हैं. ये उनका प्रयास था. उन्होंने कहा कि हमने ये समझने की कोशिश की, आपने देखा कि इनका जो डेफिनेशन है वो है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट. तो इन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इन 5 कंट्री में जो सिटीजन है या पीपल है उनका ओरिएंटेशन जो है टुवर्ड्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट कैसा है, क्या वो इफेक्टिव है, क्या कॉग्निटिव है, क्या इवेल्युएटिव है. इसका मायने क्या होता है समझिए. पहला आप कॉग्निटिव कर लीजिए, फिर दूसरा इफेक्टिव और तीसरा इवेल्युएटिव. इस क्रम में आप समझिए. कॉग्निटिव का मतलब ये है कि क्या उनको अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, आर्मी, कोर्ट, कचहरी और जो जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, क्या उनके बारे में अवेयरनेस है, क्या उनको पता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, क्या उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, उसके क्या लिमिटेशन है, क्या ये सब पता है. ये यदि पता है तो उनका कॉग्निशन है. कॉग्निशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज. इसका मतलब उनको अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, वो एकदम बिल्कुल खोए हुए नहीं है. एफेक्ट, और कुछ लोग जो है खोए भी हो सकते हैं, जिसको कि आप समझ सकते हैं कि वो उनको पता ही नहीं है कि हाँ, अच्छा पूछेगा गांव में कोई जाकर के, मान लीजिए इंडिया में ही कोई पूछता है सुदूर गांव में बिहार के, कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो लिखे हुए हैं, वो लेकिन पता नहीं क्या बोल रहे हो, क्या फंडामेंटल राइट. तो इसका मतलब कि उनको कॉग्निटिव ओरिएंटेशन भी नहीं है. एफेक्टिव ओरिएंटेशन का मतलब है कि लोग जो हैं कितना जो है जुड़ाव महसूस करते हैं, कितना अफेक्शन है उनको, क्या वो उसको सोचते हैं कि हाँ हम इसके पार्ट हैं, हमारे लिए ये काम करता है, या उनको लगता है हमें क्या मतलब कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, दिल्ली में क्या हो रहा है हमको क्या पता भाई, हमें तो रोजी रोटी जुगाड़ना है, करना है, हमें ये सबसे मतलब नहीं है. तो उनका जुड़ाव कैसा है पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट से, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम से. अब ऑब्जेक्ट को हम सिस्टम समझिए कह रहे हैं, दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन मान लीजिए. और इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन है कि यदि इन दोनों है, उनको जानकारी है, वो उससे जुड़े हुए भी हैं, तो फिर क्या कैसे वो जज करते हैं. अब यहां आता है कि क्या अपने वो पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छा मानते हैं, क्या जुडिशरी से वो सेटिस्फाइड है, क्या लेजिस्लेचर का रोल उनको ठीक लगता है कि एग्जीक्यूटिव पे वो कमांड रखती है, क्या एग्जीक्यूटिव जो कर रहा है, जो उसके लिए वो पॉलिसीज बना रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या उससे वो सही है, खुश है, जो समाज में जिस तरह से पॉलिटिक्स का जो असर पड़ रहा है क्या उससे वो खुश है, जो जो वहां पे करप्शन लेवल है, निपोटिज्म है, क्या वो सही है, मतलब वो एक लिमिट में है, वो सही, वो मतलब समाज को एक सही डायरेक्शन में ले जा रहा है, सोशल हार्मनी है, सारे चीजों को वो सोच करके और वो अपना एक तरह का इवेल्युएट करते हैं, जज बनते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम हमारा अच्छा है कि बुरा है कि जैसा तैसा है.
तो ये तीन ओरिएंटेशन वो देखते हैं। इस बेसिस पे, इन तीन ओरिएंटेशन को एनालाइज करके डेटा के बेसिस पे, वो कहते हैं कि हमने तीन टाइप का आइडियल पॉलिटिकल कल्चर देखा। ये ध्यान दीजिए, ये आइडियल है, जैसे कि एरिस्टोटल का छह टाइप का आइडियल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जिस तरह से वेबर का जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, आइडियल मतलब कि जो रियल लाइफ में नहीं होता है, यदि हम प्योर कहें एकदम लेबोरेटरी में, तो ये तीन टाइप का पॉलिटिकल कल्चर दिख सकता है इस बेसिस पे, इस ओरिएंटेशन के बेसिस पे। एक है पैरोकियल, पैरोकियल मतलब जहाँ पे कि ये बहुत लो है, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन बहुत लो है, मतलब लोग जानते ही नहीं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, लेजिस्लेचर कैसे एक्ट करता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का क्या नाता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी का क्या नाता है, कुछ ठीक से पता नहीं है, फेडरलिज्म क्या होता है, क्या राइट्स है, उनके क्या हक हैं, सब इस टाइप का जो कल्चर है वो पैरोकियल कल्चर होता है। ऐसे अफ्रीका में आप देख सकते हैं, या इंडिया में भी अभी बहुत सुदूर गाँव में इस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर आप देख सकते हैं। जैन दूसरा प्योर टाइप का है सब्जेक्ट टाइप पॉलिटिकल कल्चर। इसमें क्या होता है कि लोगों का कॉग्निटिव ओरिएंटेशन बहुत तगड़ा है, वो एकदम ठीक से जानते हैं कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनके राइट क्या है, सब कुछ जानते हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, लेकिन वो ना कोई इवेलुएट करने के हालत में नहीं है, और ना ही वो बहुत ज़्यादा एफेक्शन है, वो मतलब दूर दूर ही रहना चाहते हैं, उनको उनको लगता है हमको सब पता है, लेकिन भाई इस पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, अब जो इलेक्शन जीतता है ठीक है, वोट देने का मन होगा देंगे, नहीं देने का मन होगा नहीं देंगे, और जो कर रहे हैं सही ही कर रहे होंगे, जो राज कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे, इस टाइप का यदि फीलिंग होता है तो वो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है। मतलब आप अपने को सिटीजन नहीं सब्जेक्ट मानते हो, आप इनएक्टिव हो, आप उदासीन हो पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से। एंड थर्ड है पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपेटिव, दोनों जो भी कह लीजिए, पार्टिसिपेंट मतलब यहाँ पे आपका तीनों है, मतलब कि आपको पूरी तरह पता भी है, आप खूब जुड़े हुए भी हो पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट से, पॉलिटिकल सिस्टम से, उसको आप अपना पार्ट मानते हो, और आप इवेलुएट भी करते हो और पार्टिसिपेट भी करते हो, आप सड़क पे निकल आते हो, जुलूस निकालते हो, आप लेटर लिखते हो, पेटिशन लिखते हो, जहां भी कोई पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसको एविडेंस देने चले जाते हो, आप ब्लॉग लिखते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो बना करके आप अपनी बातें करते हो, इस टाइप का जो यदि आपका रोल है वेरी वेरी एक्टिव सिटीजन का, तो वो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, यदि बहुत लोग ऐसा करते हैं तो ये तीन प्योर टाइप का जो है पॉलिटिकल कल्चर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि सिविक कल्चर क्या है। एक तरह अभी मैं के लिए इतना बता दूं, उन्होंने बोला कि क्यूरियस मिक्स इन तीनों का, यदि तीनों प्योर को यदि ठीक तरह से मिलाया जाए, पैरोकियल सबसे कम, इसमें लगभग छोड़ दीजिए, बट सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट को यदि हम मिला देते हैं तो वो सिविक कल्चर हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि अलमंड एंड बर्बा ने अपने 1963 के बुक, जो सेमिनल बुक है पॉलिटिकल कल्चर पे, सिविक कल्चर, उसमें उन्होंने जो है पांच कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर को एनालाइज करके थ्रू एक्सटेंसिव सर्वे, लोगों से इंटरव्यू लेकर के, ये पांच कंट्री थे यूएसए, यूके, मैक्सिको, इटली एंड वेस्ट जर्मनी, उसके बेसिस पे उन्होंने जो है पॉलिटिकल कल्चर को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया। फर्स्ट उन्होंने बोला पैरोकियल, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा पार्टिसिपेटिव। ये क्या है थोड़ा सा देखें। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर अलमंड एंड वर्बा के अनुसार, गैब्रियल अलमंड एंड सिडनी वर्बा, उनके अनुसार से यहाँ पे क्या होता है कि जनरल इग्नोरेंस अबाउट पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ए कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये ऐसा पॉलिटिकल कल्चर होता है जिसमें कि पीपल जो है बहुत ज्यादा अवेयर ही नहीं होते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और उसमें वो एसोसिएट भी नहीं होना चाहते, बिल्कुल अलूफ होते हैं, ना तो उनको जानकारी है ना वो उससे जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसा आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल है कि कुछ स्टेटलेस जो सोसाइटी अब है, सोमालिया है, सियारा लियोन है, या बहुत वीक स्टेट है जहाँ पे कि बहुत जो है फीलिंग नहीं बन पाई है नेशन की या पॉलिटिक्स की, अफ्रीका में खास करके, एशिया में भी, अफगानिस्तान में भी बहुत समय तक जो है इस टाइप का रहा, तो ऐसा पैरोकियल जो है उसको आप ट्राइबल और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के पॉलिटिकल कल्चर से भी इसको जोड़ सकते हैं। देन सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर ऐसा होता है जिसमें कि जो पीपल होते हैं वो उनको पूरा अवेयरनेस होता है, वो जानकारी होती है पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स का, प्रोसेसेस का, पॉलिटिकल सिस्टम का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, लेकिन वो बहुत एलूफ होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कोई वॉइस ही नहीं है, बिल्कुल पावरलेस है, तो ऐसे में क्यों हम जो है पार्टिसिपेट करें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुलसीदास जी ने जो दिया है रामचरितमानस में, जब रामचंद्र जी का राजाभिषेक हो रहा था तो एक दासी कहती है कि कोई को नृप होए हमें का हानि, चेड़ी छोड़े न तो होबे रानी। मतलब इसका मायने ये है कि कोई भी राजा हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो दासी हैं, दासी ही रहेंगे, हम थोड़ी रानी बनेंगे। मतलब कहने का मतलब ये होता है, और ये जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें ये कहावत प्रोवर्ब इतना ज्यादा चलता है, ये अंग्रेजों के टाइम में भी चलता था कि कोई नृप होए हमें कहानी, मतलब कोई राजा बनता है हमें क्या, हमें तो दो
उनकी रोटी का जुगाड़ करना है, यही हमारी नियति है। तो ये एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है। और इंडिया में जैसा ऐसा रहा था जब मुगल के टाइम में, ब्रिटिश टाइम में, इवन इंडिया के आजाद होने के बाद हमें लगता है 1970 तक मेरे अनुसार से सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर था, दिखता था कुछ कुछ। देन थर्ड है पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें कि पीपल जो हैं वो पूरी तरह अवेयर भी हैं अपने पॉलिटिक्स और अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और विलिंग भी हैं पार्टिसिपेट करने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज में। उनको फील होता है कि यस, उनमें ताकत है, उनकी वॉइस सुनी जाएगी और वो चेंज कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप का है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि अलमंड भरबा ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल कल्चर ऐसा एक्चुअल में होता है रियल लाइफ में। उनका कहना था कि ये तीन जो है आइडियल कैटेगरीज हैं। आइडियल कैटेगरी ये जो है कल किताबों में मिलते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में इन सब का मिक्सचर होता है, थोड़ा पैरोकियल, थोड़ा सब्जेक्ट, थोड़ा पार्टिसिपेटिव। तो इसको आप कभी ऐसा ना समझें कि ये एक्चुअल में होता है। आइडियल एंड एक्चुअल टाइप अलग अलग होता है। जैसे वेबर का याद कीजिए, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रियल लाइफ में उसी ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है, लेकिन वो एक बेंचमार्क है जिसको तुलना करने के लिए रियल लाइफ से हम यूज करते हैं। ये एक एकेडमिक विधा है जिसमें कि आइडियल टाइप के कॉन्सेप्ट को खोजे जाते हैं। तो ये आइडियल टाइप है। इसी बेसिस उन्होंने कहा कि रियल टाइप में जो है वो सिविक कल्चर जो होता है, जो मिक्सचर होता है सब्जेक्ट और पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर का, वो बेस्ट होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए, वो बेस्ट होता है। मतलब क्या है कि सिविक कल्चर उन्होंने डिफाइन किया जहां पे कि लोग अवेयर तो हैं, बहुत पूरी तरह से अवेयर हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टीट्यूशन का, और वो पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं, उनमें ताकत भी है, उनको वॉइस भी है, उनको उम्मीद भी अपने पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिकल एक्टिविटी में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन वो उनको ट्रस्ट भी है अपने पॉलिटिकल इलीट्स पे, लीडर पे, भरोसा है कि वो उनके बिहाफ में सही पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, और वो निर्णय उन पे जनरली छोड़ देते हैं, जहां तक कि पानी सर से ऊपर ना चला जाए तभी वो सड़क पे आते हैं। तो ये जो सिविक कल्चर है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटी को एक स्टेबिलिटी देता है। उनका कहना था कि यूएसए और यूके में सिविक कल्चर पाया जाता है, जबकि मैक्सिको और इटली में पैरोकियल कल्चर है, और वेस्ट जर्मनी में उनके अनुसार से सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर जैसा दिखता है। तो ये जो है टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर था बाय अलमंड एंड वर्मा। इसको आप एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइपोलॉजी है या कैटेगराइजेशन है पॉलिटिकल कल्चर। आइए अब हम लोग देखें कि इसके जो प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब प्रॉस कॉन्स मतलब क्या, प्रॉस मतलब पॉजिटिव, कॉन्स मतलब निगेटिव, प्लस या माइनस कर लीजिए, और सिविक कल्चर जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया अलमंड भरबा ने, जिन्होंने एक तरह से बहुत ही एक रिवोल्यूशन लाया था पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, उसके प्लस एंड माइनस क्या है। यदि हम प्लसेज देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ये एक्सप्लेन करता है कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल कैसे है। इनका कहना है कि पॉलिटिकल कल्चर हेल्प करता है। यदि आप सिविक कल्चर डेवलप कर लेते हो, जो मैं बताया कि मिक्सचर है तीनों का, जुडिशियस खास करके सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर का, तो आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है स्टेबल हो जाता है, क्योंकि कल्चर बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, इसलिए वो स्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम को भी देता है, और आपको वो हेल्प भी करता है स्टेबल और फ्लोरिसिंग डेमोक्रेसी देने में। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि सिविक कल्चर कैसे आपको हेल्प करता है, पहले तो सिविक कल्चर क्या है और कैसे हेल्प करता है पॉलिटिकल सिस्टम को, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इनकरेज करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आपने देखा कि पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर जो है अच्छा माना जाता है, लेकिन एक लिमिट तक, मतलब उसका मिक्स होना चाहिए, इतना नहीं कि सब हर समय सिटीजन जो है किसी इशू के लिए रोड पर निकल आए, तो फिर कैओस हो जाएगा। जो हटिंगटन ने भी ये बात कहा है कि एक समय ऐसा आता है जब सब लोग इतने ज्यादा सोशल मूवमेंट करने लगते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी जो है उसको सहने की नहीं रहती, तब पॉलिटिकल केओस आ जाता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिकल डिक्लाइन होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक वाइब्रेंट सिविक कल्चर जो है वो लोगों को इनकरेज करेगा कि वो सिविक ड्यूटी अपनाएं, मतलब कि एक नेशन के सिटीजन होने का जो ड्यूटी होता है उसको निभाएं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, और वो अपना सुझाव दें कैसे पॉलिटिक्स बेटर हो सकती है, और एक अवेयर रहें, सचेत रहें कि पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है। तो ये इनकरेज करता है। देन जो ये एजेंसी है सिटीजन का, एजेंसी मतलब क्या होता है, देखिए एजेंसी और स्ट्रक्चर, ये आपको बहुत सोशल साइंस में मिलेगा। स्ट्रक्चर मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि वो पैटर्नड सोशल रिलेशन या सोशल बिहेवियर है जो हजारों सालों में बनती है, उसको सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे मैरिज सिस्टम है, फैमिली है, लाइक दैट। जो एजेंसी होती है वो हमारा एक इंडिविजुअल की जो ताकत होती है, मतलब उसका जो मन है, जो उसका दिमाग है, जो उसमें जोश है, जो ताकत है, एक हिटलर पूरी दुनिया को बदल देता है, गांधी जी जो है पूरी दुनिया को बदल देते हैं, आइंस्टीन बदल देते हैं, तो वो एजेंसी है। एजेंसी मतलब वो एनर्जी, वो एक तरह का आपका कैपेबिलिटी, उद्यम, इंटरप्राइज, जो एक व्यक्ति को अनोखा काम करने
के लिए जो है कैपेबल बनाती है, हर व्यक्ति में एजेंसी होती है। मतलब जैसे यदि आप प्रोफेसर अमृत सेन का लेंगे तो उनका कहना है कि एजेंसी हमारी दबी कुचली चली जाती है यदि हमको अच्छा हेल्थ केयर ना मिलता है बचपन में, एजुकेशन नहीं मिलता है और हमको एक्सेस नहीं मिलता है सोसाइटी में, इकोनॉमिक्स में, तो हम जो है हमारी एजेंसी मलिन हो जाती है। यदि एजेंसी हमारी स्ट्रांग रहेगी तो हम कभी गरीब नहीं रहेंगे, ये कैपेबिलिटी अप्रोच है उनका। तो हार्नेसिंग एजेंसी ऑफ सिटीजन, ये जो सिविक कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिटीजन के एजेंसी को यूज करता है, चैनलाइज करता है फॉर बेटर कम्युनिटी के पॉलिटिकल लाइफ के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ट्रस्ट भी इंस्टीट्यूशन में साबित करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिविक कल्चर का मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर का भी इसमें ट्रेस है, जहां पे कि पीपल अवेयर तो हैं और वो लगाव भी महसूस करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से, लेकिन हर बात पे जो है वो सड़क पे नहीं उतरते हैं, उनको ट्रस्ट है अपनी इंस्टीट्यूशंस और इलीट लीडरशिप पे। तो इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट भी ये डेवलप करता है। यदि इसका मेथोडोलॉजी पे यदि हम कमेंट करें तो बहुत ब्यूटीफुली ये जो है जो बिहेवियरलिज्म का जो इंपिरिसिज्म है या जो पॉजिटिविज्म मेथड होता है, सो डेटा ऑब्जर्वेशन क्वांटिफिकेशन, इन सब को बहुत ब्यूटीफुली ये इंटीग्रेट करता है जो साइकोलॉजिकल एंड इनटेंजिबल जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल बिलीव वैल्यू एंड नॉर्म से। तो ये जो है ना एक दो दुनिया को जोड़ता है, ये इंपेरिकल और नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का एक तरह से मिश्रण है ये। माइनस से यदि आप देखिएगा तो इसमें जो स्वीपिंग जनरलाइजेशन जो अलमन भरवा ने किया है कि 1,000 लोगों का इंटरव्यू लेकर के और आपने पूरे करोड़ों लोगों के पॉलिटिकल कल्चर को कह दिया कि ये इस टाइप का है, इस टाइप का, इस टाइप का, ये जो स्वीपिंग जनरलाइजेशन है इसको कई लोग क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो सब कल्चर का तो कोई जिक्र ही नहीं किया, एक पॉलिटिकल कल्चर के अंदर में कितने सारे जो नॉन डोमिनेंट मार्जिनलाइज सब अल्टर्न माइनॉरिटी पॉलिटिकल कल्चर होते हैं या सब कल्चर, जो आगे मैंने आपको इसमें बताया भी है डेनिस कावाना का, उसको उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। एक तरह का एक इनको जो है दिखता है होमोजेनाइज पॉलिटिकल कल्चर, ऐसा होता नहीं है। इस चलते ये जो है कल्चरल डाइवर्सिटी को भी अंडरमाइन करता हुआ दिखता है और सब कल्चर को तो इग्नोर करता ही है। इसके अलावा जो इसकी इंपीरिकल स्टडी जो है उस पर ही लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि ये बड़ा मतलब एक तरह से समझिए बहुत ही इम्परफेक्ट वे है एक साइकोलॉजिकल इनटेंजिबल सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल कल्चर को समझने के लिए जो आपने डेटा का हेल्प लिया है वो बहुत डाउटफुल है। देन जो कॉजल कनेक्शन जो है स्टेबल डेमोक्रेसी और सिविक कल्चर का, कई लोग कहते हैं कि ये उल्टा भी हो सकता है। आपने ये एक तरह से प्रेडिक्ट कर दिया कि यदि सिविक कल्चर डेवलप होता है तो वो स्टेबल डेमोक्रेसी को लाने में हेल्प करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां स्टेबल डेमोक्रेसी है वहां सिविक कल्चर डेवलप हो जाएगा? जस्ट उसका उल्टा, कॉज एंड इफेक्ट एंड इफेक्ट एंड कॉज, ये बहुत बड़ी फैलसी जो है लॉजिक में मानी जाती है। जिसको आप कॉज समझते हैं वो सही में इफेक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है कॉज होता है। तो ये इसमें भी हो सकता है, ये कॉजल कनेक्शन जो है बिटवीन स्टेबल डेमोक्रेसी या स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिविक कल्चर, वो उल्टा भी हो सकता है, उसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये इसी तरह से एल्बन भरवा ने कहा। और ये जो है पॉलिटिकल कल्चर जो अप्रोच है वो स्टेटस क्विस्ट है, क्योंकि कल्चर बहुत हजारों सालों में चेंज होता है, पॉलिटिकल कल्चर स्टेबिलिटी देता है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है बहुत डायनेमिक है, रातों रात बदलता है। लोग कहते हैं कि एक सप्ताह जो है पॉलिटिक्स में काफी होता है, इसमें एक तरह का विरोधाभास है। इसलिए इस तरह के स्टेबल जो पॉलिटिकल कल्चर है उस नजरिए से पर्सपेक्टिव से आप डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये सब इसकी बुराइयां की जा सकती है। अब आइए हम लोग डेनिस कावना, ये एकदम बिल्कुल नया पार्ट आपके सिलेबस में जोड़ा गया है कि सब कल्चर। और यहां पर आपको मैं जस्ट ये बता दूं कि सिविक कल्चर के 9 साल बाद लिखी गई, तो ये जो एक ओवर आर्किंग जनरलाइजेशन जो अलमंड भरवा ने किया था ना कि पूरे कंट्री का कल्चर जो है वो इस टाइप का होगा, या पैरोकियल होगा, सब्जेक्ट होगा, या पार्टिसिपेटिव होगा, या तीनों मिला करके होगा, तो इस होमोजेनाइजेशन को ये पंक्चर करते हैं। इनका कहना है कि एक कंट्री में कई कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म का एक नमूना समझ सकते हैं, और उसमें कुछ डोमिनेंट कल्चर होते हैं जिसको कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं जैसे अलमंड भरवा ने किया, लेकिन जो सब कल्चर्स होते हैं जो कि मार्जिनलाइज हो सकते हैं, माइनॉरिटी का कल्चर हो सकता है, सब अल्टर्न कल्चर हो सकता है, उसकी भी उतनी ही महत्ता है पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पब्लिक पॉलिसी आउटकम को समझने के लिए। उस पर उन्होंने विचार किया अपने बुक पॉलिटिकल कल्चर 1972 में। चलिए इस पे हम लोग देखते हैं कि उनके क्या थॉट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं सब कल्चर, जो ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में दिया गया है सिविक कल्चर के बाद सब कल्चर, वो भी जो है डेनिस कावनाह का जो पॉलिटिकल कल्चर बुक है उसके बेसिस पे। तो बहुत ज्यादा आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, नोट्स में आ सकते हैं या टाइप में आ सकते हैं।
तो सब कल्चर जो है आप ऐसे समझ सकते हैं बहुत सिंपल वे में कि एक ओवर आर्किंग मान लीजिए पॉलिटिकल कल्चर है, मान लीजिए इंडिया है। अब इसका जो है एक तो ओवर आर्किंग पॉलिटिकल कल्चर हम देख सकते हैं कि जो जनरली पीपल चाहे किसी भी लैंग्वेज रिलीजियन या किसी रीजन के हो उनका जनरल एटीट्यूड जो है वो कैसे है पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, कितना वो अवेयर हैं, किस तरीके से जुड़ते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं, जिसको हम एक पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं कि कैसा जो है हमारा ओरिएंटेशन और एटीट्यूड है पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट की तरफ या पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसकी तरफ। लेकिन उसके अंदर यदि हम थोड़ा झांके ना तो हमें हमेशा बहुत सारे डिफरेंट सब कल्चर मिलेंगे। आपको इंडिया में मुस्लिम जो है उनका पॉलिटिकल सब कल्चर अलग दिखेगा, सिख का अलग दिखेगा, क्रिश्चियन जो ईसाई है उनका अलग दिखेगा, जो जैसे पारसी हैं या जो अदर जो बहुत साल पहले यहाँ आके बसे हुए हैं उनकी भी अलग दिखेगी, जो हिंदू जो डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप है उनका अलग जो है आपको सब कल्चर दिखेगा। मतलब सब कल्चर को अब समझिए क्या है, मतलब एक तरह से ये डिवीजन है एक ओवर आर्किंग कल्चर जो किसी नेशन का है या कंट्री का है, एक बहुत बड़ा सा ग्रुप कह लीजिए 140 करोड़ मान लीजिए इंडिया में है, उसको यदि हम कल्चरली देखें तो हमको बहुत सारे सब ग्रुप दिखेंगे। ऐसा हर कंट्री में होता है, उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, वो पॉलिटिकल सब कल्चर बन जाता है। तो पॉलिटिकल कल्चर को यदि हम एक बार फिर से देखें कावनका, क्योंकि डेनिस कावनका के कॉन्टेक्स्ट में आपको है, तो उन्होंने जो पॉलिटिकल कल्चर को कहा कि सेट ऑफ वैल्यू बिलीफ एंड एटीट्यूड विद इन विच ए पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट। तो इसको सुन के आपको लगता होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम यदि मान लीजिए ये है, उसके अंदर में आर्मी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी, सभी कुछ मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस हैं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, तो इसका एक ओवर आर्किंग जो इसका इन्वायरमेंट है ना, जैसे कि मछली पानी में रहती है, तो उस तरीके का जो है ओवर आर्किंग जो है पॉलिटिकल कल्चर के साए में पॉलिटिकल सिस्टम जो है ऑपरेट करता है। ये इनके कहने का मतलब है कि जो 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 सेट ऑफ वैल्यू बिलीफ एंड एटीट्यूड जो लोगों में भी है, पॉलिटिकल पार्टी में भी है, इंस्टीट्यूशन के अंदर बाहर लोगों में है, जिससे कि उनका पॉलिटिकल बिहेवियर गाइडेड होता है वो, और जो पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। अब इसी डेफिनेशन को जब आगे बढ़ाएं तो सब कल्चर जो यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं, आगे के स्लाइड में हम डेविस कावनका का बुक के में जो उन्होंने बातें कही है वो देखेंगे। सब कल्चर को जो डिफाइन किया जाता है ये विद इन ए लार्जर कम्युनिटी, जैसे इंडिया मान लीजिए कोई भी कंट्री, सोसाइटल ग्रुप हु पोजेजेज ए पर्टिकुलर कल्चरल आइडेंटिटी। जैसे मैंने कहा ना कि पारसी हैं, अब मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में रहते हैं, सिंधी हैं, एकदम डिस्टिंक्ट जो है आप उनको सब कल्चर देख सकते हैं, उनका खान पान, ड्रेस, सोच, वो किस तरीके से कौन सा वो जीवन जीने के लिए जो लाइवलीहुड अपनाते हैं, सब थोड़ा सा अलग जैसा है, अलग वर्ल्ड व्यू है, अलग वैल्यू नॉर्म्स हैं। तो वो सोसाइटल ग्रुप जो इस तरह का डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट नॉर्म्स एंड वैल्यू विद इन ए लार्जर कम्युनिटी पोजेस करता है और एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी रखता है, उसको हम सब कल्चर कहते हैं। ये जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उस ग्रुप का, इट इज ऑफन एक्सप्रेस थ्रू फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, इवन पॉलिटिकल बिहेवियर एंड फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन सच एज एक अलग टाइप का फैशन, फूड, वर्ल्ड व्यू एंड लाइक दैट। इसी का जो पॉलिटिकल रूप जो होगा क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए सिंधी जो है एक सब कल्चरल ग्रुप है तो उनका अपना पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो जाएगा। सो पॉलिटिकल सब कल्चर में बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट पोजेजेज ए डिस्टिंक्ट एंड कंसिस्टेंट सेट ऑफ एटीट्यूड बिलीफ एंड ओरिएंटेशन टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी चीज आते हैं, जैसे मैंने कहा ना डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेशन, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आर्मी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल, ये सब पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। इवन पावर डायनेमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, सभी जो हैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उनके प्रति कैसा एटीट्यूड, बिलीफ एंड ओरिएंटेशन होता है एक पर्टिकुलर सब कल्चरल ग्रुप का, उसको पॉलिटिकल सब कल्चर कहते हैं। पॉलिटिकल सब कल्चर्स आर एटीट्यूडनल एक्सप्रेशंस ऑफ द वेरियस क्लास, रिलीजियन, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डिवीजन विच कैरेक्टराइजेज एनी नेशन कंट्री। तो ये डाइवर्सिटी को दर्शाता है कि जब हम कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो किस बेसिस पे हम डाइवर्स हैं, तो हम डिफरेंट जैसे इंडिया में देखेंगे तो रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे एंड इथनिक जैसे ट्राइबल ग्रुप हैं, इस बेसिस पे हम डाइवर्स हैं। तो उन सब डाइवर्स ग्रुप का अपना अपना सब कल्चर है विद इन ए लार्जर इंडियन कल्चर और अपना अपना पॉलिटिकल सब कल्चर है।
पॉलिटिकल सब कल्चर, और इसी के चलते हर ग्रुप का जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है, जो उनका बिलीफ एटीट्यूड एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट होता है या पॉलिटिकल सिस्टम, वो डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस चीज को समझते हुए अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जाके कोई भी, जैसे कि हिंदुत्वा पार्टी मान लीजिए बीजेपी है, वो भी जाके वहां पे नहीं बोलेगी कि बीफ खाना गलत है, नहीं तो वहां पे उनको वोट नहीं मिलेगा। यही बात जो है वो मध्य प्रदेश में बोलेंगे बीफ खाना ठीक है तो उनको वोट नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो अपोज करेंगे। इसी तरीके से कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एनी पार्टी, वो वहाँ के सब कल्चर के सेंसिटिविटी को समझ करके जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करती है, जिससे कि वहाँ पे लोग जो है एंटागोनाइज ना हो और उनके प्रति फेवरेबल एटीट्यूड रखें। ये इंपॉर्टेंस है सब कल्चर का। तो यदि हम एग्जाम्पल लें तो जैसे कि श्रीलंका में हम तमिल एंड सिंगला देख सकते हैं, जो बहुत डीप डाइवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई, उसके चलते कितनी परेशानी हुई। इंडिया में तो हमने जैसे देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग कहते भी हैं, लेकिन डिफरेंट लिंग्विस्टिक जो ग्रुप है, लाइक तमिल हैं, तेलुगु हैं, बंगाली हैं, उड़िया हैं, वो खुद एक कल्चरल जो है वो सब कल्चर को डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पे जैसे आप और दूसरे कंट्री में, नीदरलैंड में आप कैथोलिक एंड काल्विनिस्ट पॉलिटिकल कल्चर देख सकते हैं, सब कल्चर। बेल्जियम तो फ्रेंच और डच सब कल्चर में बिल्कुल बटा हुआ है, स्विट्जरलैंड जो है इसी तरह लिंग्विस्टिक सब कल्चर ग्रुप में बटा हुआ है, कई कई कंट्री इस तरीके से बटी हुई हैं। तो जो फाइनली यदि स्लाइड में देखें तो सब कल्चर जो है एक तरह का कनेक्शन को रिवील करता है, बताता है बिटवीन जो सोशल डिविजन, जो क्लीवेजेस सोसाइटी में होते हैं रिलीजन, लैंग्वेज, क्लास, कास्ट इस बेसिस पे, और जो उनका जो पॉलिटिकल क्लीवेज है, तो सोशल और पॉलिटिकल क्लीवेज के बीच का जो है वो एक तरीके का कनेक्शंस को दिखाते हैं। जैसे कि आप इंडिया में देखेंगे कि मान लीजिए कास्ट के बेसिस पे एक सोशल क्लीवेजेज है, उसको भी अलग अलग कल्चर आप कह सकते हैं। ब्राह्मणिकल कल्चर अलग है, जो जो सब अल्टर्न क्लास हैं, गरीब क्लास है, या कह लीजिए दलित और पिछड़े कास्ट हैं, क्लास एंड कास्ट दोनों, उनका अलग पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, और इसके चलते जो पॉलिटिकल डिवीजन होता है, तो आप देखेंगे कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फॉरवर्ड कास्ट को ज़्यादा मतलब कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से अपनी रिझाने में लगी रहती है, तो कुछ जो है बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड कम्युनिटी को रिझाने में लगती हैं। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल डिवाइड एंड जो सोशल डिवाइड जो होता है, उसके बीच का कनेक्शन को जो है आइडिया ऑफ सब कल्चर जो है रिवील करता है। अब यदि हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए, जो आपके सिलेबस में है डेनिस कावना का सब कल्चर, इन्होंने एक बुक लिखा था 1972 में पॉलिटिकल कल्चर। आप देख सकते हैं कि 1963 में जो है सिविक कल्चर बुक आती है अलमंड भरवा का, उसके 9 साल बाद ये बुक आती है। तो काफ़ी चीज़ें ये रिविजिट करते हैं जो अलमंड भरवा के सिविक कल्चर को। उसमें तो जो बातें यहाँ पे की है वो तो ठीक है, वो उन्होंने डिफाइन किया अपने तरीके से कि सब कल्चर इज अ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप दैट एग्जिस्ट विद इन ए ब्रॉडर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक ओवर आर्किंग, जैसे इंडिया का जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर जो है डिफरेंट सब कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे पोजेस ए यूनिक वैल्यू, नॉर्म्स, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द डोमिनेंट कल्चर। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद कर लीजिए, और सब कल्चर का डेफिनेशन पिछले स्लाइड में भी था, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। सब कल्चर प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद ए सेंस ऑफ कम्युनिटी, आइडेंटिटी, कोहेसिवनेस, वी फीलिंग एंड पॉलिटिकल इंगेजमेंट एंड सोशल कोहेजन। तो मतलब जो सब कल्चर होता है उससे आप ज्यादा अपने को, जैसे देखिए आप कुछ भी हो जाए, एक उड़िया है तो वो पहला उसकी आइडेंटिटी एक उड़िया पीपल की होती है, तब वो सोचता है कि हम ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में रहते हैं और फिर इंडियन कल्चर। तो ये ऑलवेज ऐसा होता है कि हम जो सबसे नजदीक का जो हमारा कम्युनिटी होता है, कल्चर होता है, उससे हम ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, उसमें सोशल बॉन्डिंग हमारी ज़्यादा होती है, और दूर वाले जितना हम दूर जाएंगे उससे कम होती है। डेनिस कान का आइडेंटिफाइज 4 डिस्टिंक्ट बेसिस ऑन विच सब कल्चर डेवलप, इसको आप इलाबरेट कीजिएगा एग्जाम में, जैसे 4 बेसिस पे सब कल्चर डेवलप होते हैं, जो आप कह सकते हैं डिवाइड। एक है कि इलीट वर्सेज मास कल्चर, किसी में भी देखिए, देखिए ये इंडिया में बहुत आपको क्लियर दिखेगा, जब गांधी जी सीन पे आए थे उसके पहले कैसा इलीट कल्चर था, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाता है, स्वदेशी मूवमेंट करते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर के और दादा भाई नौरोजी और तिलक, ये सब बहुत ही इलीट एक ग्रुप थे, बहुत पढ़े लिखे प्रोफेशनल, जो नारियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, देश को आज़ादी दिलाने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन मास जो है, जो गरीब, गुरुआ, सब अल्टर्न, मार्जिनलाइज्ड, इवन वुमेन उसमें, ट्राइबल्स, किसान, वो कहाँ हैं, उनको क्या मतलब कि क्या हो रहा है,
वो तो कोई नृप हो टाइप का वो थिंकिंग में जी रहे हैं। तो ये एक डिवाइड डेफिनेटली दिखता है। और कितना भी कंट्री प्रोग्रेस हो जाए, एक जो इलीट कल्चर और जो मास कल्चर, जिसको अभी इंडिया वर्सेस भारत हम इंडिया में बोलते हैं, कि जो अर्बन इंडिया है, जो मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न खाता है, जो मॉल में घूमता है, और जो इंडिया बैलगाड़ी पे है, जो गांव में रहती है, इंडिया वर्सेस भारत, मतलब इंडिया मतलब अर्बन और भारत मतलब गांव, तो इलीट वर्सेस मास कल्चर जो है डेफिनेटली एक दो पार्ट में बढ़ जाता है। इस बेसिस पे कल्चर जो है अलग अलग हो सकते हैं, इंडिया में भी हुई है। देन इलीट्स के बीच में भी डिवीजन हो जाता है। अभी आप देखेंगे इंडिया में बहुत क्लियर दिखता है आफ्टर मंडल कमीशन मूवमेंट, एक बैकवर्ड क्लास का एक इलीट आए हैं। आप जैसे देखेंगे सब समाजवादी पार्टी हैं, उनके जो लीडर हैं, वोकालीगा जो कास्ट है वहां पे कर्नाटका में, उनके लीडर्स हैं, इवन बिहार में भी जो बैकवर्ड क्लास के लीडर्स हैं, वो लोग जो है न्यू इलीट्स हैं अमॉन्ग द बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड कास्ट। और उसके पहले जो एक ट्रेडिशनल इलीट्स देखेंगे, जो ब्राह्मण हैं, जो हायर कास्ट के हैं, जो जो बड़े बड़े संस्था चलाते हैं, बहुत सारी पार्टीज में आप ऊपर में देखेंगे अभी भी हायर कास्ट के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो एक, तो इलीट में भी जो है डिवीजन हो जाता है, डिवीजन ऑन द बेसिस। जैसे इलीट में आप देखेंगे कि बहुत लोग रिजर्वेशन और कोटा का फायदा लेके जो है वो छोटी जातियों के लोग, या मतलब छोटी जाति कहना यदि गलत है तो समझ लीजिए कि जिसको भी हम कहते हैं कि हायरार्की में नीचे हैं, उन जातियों के लोग भी अब ऊंचे पोजीशन पे पहुंचे हैं, पॉलिटिक्स में पहुंचे हैं, तो उनका भी जो इलीट में जो एक दबदबा हो गया है, लेकिन वो जो है डिफरेंट है, जो डिफरेंट जो ट्रेडिशनली जो हायर कास्ट के जो इलीट्स रहे हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हो एडमिनिस्ट्रेशन में। यदि हम थर्ड डिवाइड देखें जिसके इर्द गिर्द जो है सब कल्चर डेवलप करते हैं, तो वो जनरेशन, हम जनरेशनल गैप कहते हैं। आप देखेंगे कि जो जनरेशन एक्स है, जनरेशन वाई है, जनरेशन जेड है, जो जो न्यू मिलेनियम जनरेशन कहते हैं, उन सब का जो कल्चर है धीरे धीरे, उनकी जो सोच, खान पान, उनका जो वर्ल्ड व्यू, वो अलग हो जाता है। आप ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ब्रेक्सिट है, जहाँ पे कि ये देखा गया इंग्लैंड में कि जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं वो, उनकी सोच जो है वो ब्रेक्सिट की तरफ थी, जो यंग जनरेशन के लोग थे वो ब्रेक्सिट नहीं चाहते थे। तो ये जो डिवीजन होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी जो है, इसलिए आप देखेंगे जो न्यू फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं उनकी एक अलग सोच होती है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, एटीट्यूड, बिलीफ पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, जो ओल्डर जनरेशन होते हैं। तो जनरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब कल्चर का बेसिस है, केवन का, कवना के अनुसार। सोशल स्ट्रक्चर, तो इंडिया में इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या मिल सकता है? आपको पता है कि सोशल साइंस में, डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर का मतलब कोई दीवार या कोई बिल्डिंग या भवन नहीं होता है। स्ट्रक्चर जो होती है वो सोशल स्ट्रक्चर की बात है, जो पैटर्न्ड सोशल रिलेशन, जो हजारों साल में जो एकदम एक तरह से पैटर्न्ड हो गई, जैसे कि फैमिली एक सोशल स्ट्रक्चर है, मैरिज एक सोशल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी में जो नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीफ, जो कन्वेंशन है वो एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि कास्ट सिस्टम एक स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम देखते नहीं है, ऐसा कुछ कोई बिल्डिंग नहीं है कास्ट सिस्टम, लेकिन वो स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें कुछ नॉर्म्स हैं, बिलीफ हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, जिसको लोगों को मानना पड़ता है। वो आप स्ट्रक्चर का ये रोल है, मतलब एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, कौन किस कास्ट से कैसे बिहेव करेगा ये पूरा फिक्स्ड है, हायरार्की फिक्स्ड है, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। और आप जानते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर जो है कि कैसे जो है सब कल्चर पैदा कर सकती है। अपने इंडिया में यदि आप देखिए तो जो फॉरवर्ड कास्ट, जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट है, उनका जो कल्चर, और जिसको कि हम मेन स्ट्रीम कल्चर कहते हैं, जिसको श्रीनिवास, एक जो है फेमस सोशियोलॉजिस्ट होते थे, जिनको उन्होंने डोमिनेंट कल्चर कहा, और जो नीचे जो जो लोअर हायरार्की में जो कास्ट हैं उनके जो कल्चर होते हैं, जिनको कि हम माइनॉरिटी कल्चर या हम सबऑर्डिनेट कल्चर कहते हैं, सब अल्टर्न कल्चर कहते हैं, इसमें भेद आप सीधा देख सकते हैं। श्रीनिवास ने यह भी कहा था कि जो नीचे के कल्चर या जो माइनॉरिटी कल्चर या सब अल्टर्न कल्चर के लोग होते हैं, वो एक प्रोसेस उन्होंने डिफाइन किया था, संस्कृताइजेशन, उससे वो जो है डोमिनेंट कल्चर के मेंबर बनने को एस्पायर करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डेनिस कवनका ने ये कहा, कवना ने ये कहा कि ये सब बेसिस पे सब कल्चर डेवलप होती है किसी कंट्री। मैंने आपको इंडिया का एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से हर कंट्री में इलीट वर्सेस मास कल्चरल डिवीजन विद इन इलीट्स इटसेल्फ एंड जनरेशनल सब कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये सब पैदा करते हैं सब कल्चर को, और सब कल्चर जो है पैदा करते हैं पॉलिटिकल सब कल्चर को, और उससे जो है पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में फायदा होता है, जो आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे।
यदि हम फीचर कहें सब कल्चर को, मैं हमेशा फीचर इसलिए देता हूं कि एग्जामिनेशन में आप लिख सकें, तो एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी एक बताती है जो कि बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड होती है इंस्टीड ऑफ ए नेशनल कल्चर. तो सब कल्चर ऑफन फॉस्टर ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग अमॉन्ग देयर मेंबर विच इन टर्न डेवलप इन टू डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल कल्चर. जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कुकी ट्राइब है, तो उनका जो सब कल्चर है वो एकदम डिस्टिंक्ट है, उनकी आइडेंटिटी और उनका पॉलिटिकल जो सब कल्चर है वो भी एकदम डिस्टिंक्ट है, और वो पॉलिटिकल कल्चर जो है और से बिल्कुल अलग दिखता है. नॉर्म्स एंड वैल्यू देखेंगे तो बहुत ही स्पेसिफिक नॉर्म्स एंड वैल्यू जो है सब कल्चर डिनोट करता है. तो सब कल्चर डेवलप देयर ओन सेट ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट मे डेविएट फ्रॉम दोज ऑफ डोमिनेंट कल्चर. अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ऑलवेज सब कल्चर जो है डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट आपको खड़ा हुआ दिखेगा. ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सब कल्चर का, वो मल्टीकल्चरलिज्म और उसमें जो माइनॉरिटी कल्चर होती है उसके तरफ ये जाता है. इस बात को ध्यान रखिएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम सब कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यू चैलेंज द मेन स्ट्रीम कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यू. जैसे आप इंडिया में देखिएगा तो चूंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तो उनका जो सब कल्चर है वो मेन स्ट्रीम जो कि डेफिनेटली जो है वो हिंदू कल्चर है, ब्राह्मणिकल कल्चर है, उसको वो चैलेंज करता हुआ दिखेगा. इवन सिख कल्चर जो है वो आपको मेन स्ट्रीम कल्चर के अगेंस्ट खड़ा हुआ दिखेगा. तो ये नॉर्मल ऐसा हो ही जाता है. इवन श्रीलंका में आप देखेंगे तमिल सब कल्चर जो है वो जो डोमिनेंट सिंगला सब कल्चर है उसके अगेंस्ट में खड़ा दिखेगा, जो डोमिनेंट कल्चर होता है. यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस डेफिनेटली होंगे, क्योंकि सब कल्चर इसी बेसिस पे ही बनता है कि वो डोमिनेंट जो कल्चर है या जो मेन स्ट्रीम कल्चर उससे वो अलग रखते हैं अपना. जैसे अलग तरह का पहरावा, अलग तरह का लैंग्वेज, अलग तरह का आर्ट, फैशन, म्यूजिक, रिचुअल्स एंड वर्ल्ड व्यू. सोशल बाउंड्रीज जो है, तो जैसे यदि आप ना ज्योग्राफिकली भी देखिएगा या सोशली देखिएगा, तो आपको बाउंड्री अलग दिखेगा कि एक सब कल्चर के लोग एक जगह पे हैं या एक पॉकेट में आपको दिखेगा, और आप जो है सेपरेट कर सकते हैं डोमिनेंट कल्चर को अदर सब कल्चरल ग्रुप से. ये भी जो है आप, तो कल्चरल बाउंड्रीज आपको सीधा दिखेंगे, ज्योग्राफिकल भी, अदरवाइज सोशियो कल्चरली भी. जनरली दे आर एसोसिएटेड विद माइनॉरिटी एंड सब अल्टरनेट कल्चर, ये मैंने आपको बताया. इसलिए जो है सब कल्चर की जो फिनोमेना है वो सब अल्टरनिज्म में जाके वो एक तरह से समाहित हो जाती है. जो दबे कुचले मार्जिनलाइज लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, उनके कल्चर की बात जो है सब कल्चर स्टडी में ज्यादा की जाती है. फाइनली यदि हम देखें कि इसका सिग्निफिकेंस क्यों, हम सब कल्चर को विद इन पॉलिटिकल कल्चर हम एनालाइज करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में इसका क्या रोल है, तो ये सबसे पहला हमें हेल्प करता है कि किसी कंट्री के जो सोशल जो डाइवर्सिटी है और जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझने में हमें हेल्प करता है. यदि हम ऊपर से देखें तो इंडिया मान लीजिए इंडियन कल्चर हमको दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब हम उसके अंदर घुसते हैं तब हमें डिफरेंट जब सब कल्चर दिखते हैं, कल्चरल आइडेंटिटी अलग अलग दिखती है, तो उससे हमें समझ में आता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है और कैसे डिफरेंट इंटरेस्ट डेवलप होता है, अलग अलग कल्चरल सब कल्चर के लोग कैसे अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए स्ट्रैटजी बनाते हैं, और कैसे वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे अलग अलग सब कल्चरल ग्रुप के अलग हो सकते हैं, और वो इन सब मिलकर के पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड आउटकम को कैसे जो है अफेक्ट करते हैं या पब्लिक पॉलिसी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये समझने में हमें आसानी मिलती है. तो जैसा मैंने बताया, ये दो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सब कल्चर ऑफन शेप द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स, दे कैन इन्फ्लुएंस देयर पॉलिटिकल एटीट्यूड, वोटिंग पैटर्न, पार्टिसिपेशन लेवल एंड पॉलिसी प्रेफरेंस. आप इंडिया में देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम अलग वोट करते हैं, अलग स्ट्रैटेजिक रूप में वोट करते हैं, सिख जो है एक अलग तरीके से वोट करते हैं, जो अदर माइनॉरिटी ग्रुप हैं वो भी अलग तरीके से वोट करते हैं, इवन जो मेजोरिटी है वो अलग तरीके से वोट करते हैं. तो उनकी जो वोटिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आप देखेंगे कि मुस्लिम किन इशूज पे जो है एजिटेट करते हैं, क्यों उन्होंने CAA पे एजिटेट किया, और अभी UCC पे भी जो है इस तरह की बातें होती है, जबकि हिंदू उसके अगेंस्ट में जो है नहीं आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में नहीं खड़े होंगे. तो आप देख सकते हैं कि किस इशू पे जो है कौन सब कल्चर एजिटेट होता है, कौन सोशल मूवमेंट करता है, और किस इशू पे वो वोटिंग देते हैं. ये सब जो है कल्चर, सब कल्चर वाइज जो है वो डिफ्रेंसिएशन होती है. तो यदि आप सब कल्चर को समझते हैं तो आप एनालाइज कर सकते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, और इन टर्न जो उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड, वोटिंग पैटर्न, पार्टिसिपेशन लेवल, पॉलिसी प्रेफरेंस है. सब कल्चर एक और बहुत हेल्प करता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में भी और इवन सोसाइटी में भी आप देखेंगे कि डिफरेंट सब कल्चर की जो एक्सेस टू रिसोर्सेज, नेटवर्क और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेज, उनकी जो पावर है वो अलग अलग है. आप देखेंगे कि
एक ही ओवर आर्किंग कल्चर के अंदर में कुछ जो कल्चरल ग्रुप्स हैं वो माइनॉरिटी हैं, वो एक्सक्लूडेड हैं, वो मार्जिनलाइज्ड हैं। जैसे दलित सब कल्चर यदि आप इंडिया में देखिए तो वो कैसे मार्जिनलाइज हैं, कैसे एक्सक्लूजन फेस करते हैं, और उनकी जो ओवरऑल जो गवर्नेंस या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भागीदारी कितने मार्जिन पे है, सेम ट्राइबल ग्रुप के साथ है, सेम जो है वुमेन खास करके छोटी जातियों के वुमेन और पुअर का भी वही हाल है, वो भी मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उनका भी एक अलग जो है कल्चर बन जाता है। इवन इवन पॉवर्टी के बेसिस पे भी आप देखेंगे कि कल्चर जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो पावर डायनेमिक्स जो सोसाइटी में होती है या किसी पॉलिटिकल सिस्टम में कि कौन डोमिनेंट है, कौन डोमिनेटेड है, किसके आइडियाज और जो मेन स्ट्रीम आइडियाज कहलाते हैं जिसको हम कल्चरल हेजमनी कहते हैं, जो ग्रामिस्ची ने दिया, या आप आगे पढ़ेंगे ग्रामिस्ची का हेजमनी भी मैं आपको बताऊंगा, और एक अल्थुजर, लुई अल्थुजर करके होते थे, उन्होंने भी सिमिलर आइडिया दिया था ग्रामिस्ची टाइप का। तो इस तरह के जो पावर डायनेमिक्स है कि कौन कौन सा कल्चरल ग्रुप डोमिनेंट है और कौन जो है मार्जिनलाइज्ड है, ये भी सब कल्चर स्टडी हमें बताता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जनरली जो सोशल मूवमेंट एंड एक्टिविज्म होते हैं वो माइनॉरिटी सब कल्चर के लोग करते हैं। इंडिया में यदि आप अभी देखें तो किसान के का जो आंदोलन है, ऑफ कोर्स ये हम नहीं कह सकते कि वो एक मार्जिनलाइज ग्रुप है, लेकिन किसानों को ये बहुत समस्या है, वो किसान आंदोलन हमने देखा, CANRC जो है मुस्लिम का आंदोलन देखा। तो इस टाइप के आंदोलन जो होते हैं जनरली जो सब कल्चरल ग्रुप होता है जो डोमिनेंट कल्चर के अगेंस्ट खड़े होते हैं वो एजिटेशन करते हैं, रोड पे आते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो सोशल मूवमेंट को समझने के लिए भी सब कल्चर की स्टडी बहुत जरूरी है। इसका पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी हैं क्योंकि पॉलिसी जो है वो जनरली तो ऐसे तो सोसाइटल कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है, लेकिन उसमें कौन सी प्रॉब्लम है ये इटसेल्फ वैल्यू का एक तरह का फंक्शन है। जो डोमिनेंट ग्रुप होता है वो जो मार्जिनलाइज ग्रुप है या माइनॉरिटी ग्रुप उसके प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम समझता ही नहीं है, और जो माइनॉरिटी ग्रुप की जो प्रॉब्लम है या मार्जिनलाइज सब कल्चर की वो पॉलिसी एजेंडा में ऊपर आ ही नहीं पाता है। तो पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी इसके काफी हैं कि किस ग्रुप का दबदबा है पॉलिसी मेकिंग में, मतलब किस कल्चरल ग्रुप का, और जो मार्जिनलाइज है उसकी आवाज सुनने के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि उसकी भी पॉलिसी एजेंडा में उसकी बात भी सुनी जाए और बनाई जाए। तो पॉलिसी प्रेफरेंसेस कैसे डेवलप होते हैं, पॉलिसी डिसीजन कैसे लिए जाते हैं समाज में, इन सब पे यदि आपको सोचना है तो सब कल्चर की स्टडी आपको हेल्प करती है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये जो चार स्लाइड मैंने डिस्कस किया इससे आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए सब कल्चर और खास करके डेनिस कावना का आपको काफी मेटेरियल मिला होगा, आप इसको और फ्लेश आउट कर सकते हैं नेट पे पढ़ करके। हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूं जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है उसके जो कंट्रीब्यूटर हैं उनको याद करने का, इसको आप कई जगह एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो है गैब्रियल अलमंड और सिडनी वर्बा, दोनों जो है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, कंपैरेटिव पॉलिटिकल पे उन्होंने काफी काम किया था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे उन्होंने जो है पांच नेशन जैसा मैंने बताया उसके पॉलिटिकल कल्चर को सर्वे करके उन्होंने कंपेयर किया। 1963 में बुक लिखा था सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन फाइव नेशंस, तो इसका मैंने जिक्र भी किया है अलमंड बरवा के तीन टाइप के पैरोकियल सब्जेक्ट और पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर का। टैल्कॉट पार्सन जो है बेसिकली थे तो ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, लेकिन इनका इतना गहरा इफेक्ट है पॉलिटिकल कल्चर पे कि इसको मैंने लिया है, ही एक्सप्लेन्ड सोशल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट इनकल्केटेड, मतलब वो लोगों में पैदा करते हैं उस तरह का इम्ब्यू करते हैं, इनकल्केटेड इंडिविजुअल्स विद कोहेरेंट सेट ऑफ नॉर्म्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। तो उनका कहना था कि इंस्टीट्यूशन जो लोगों में इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर पैदा करता है, अदर वे राउंड, व्हेन दैट ही कॉल्ड कल्चर और पॉलिटिकल कल्चर व्हिच इन टर्न सस्टेन दोज इंस्टीट्यूशन थ्रू टाइम। और एक बार जब ये नॉर्म वैल्यू एटीट्यूड जो कि इंस्टीट्यूशन पैदा करते हैं उससे फिर वो इंस्टीट्यूशन जो है सस्टेन होता है, बोथ वे एक साइकिल चलती है। और इससे इस इनका जो ये आइडिया था पॉलिटिकल कल्चर का वो अलमंड भरवा ने यूज किया, उन्होंने माना भी। फिर हम याद करते हैं सैमुअल एडवर्ड फाइनर को जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन थे यूके से, और उन्होंने कैटेगराइज किया पॉलिटिकल कल्चर को एज मैच्योर डेवलप्ड लो एंड मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम याद करते हैं दो इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट को जिन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा है,
डब्ल्यू एच मॉरिस जॉन्स, जिन्होंने कि ही रोट एक्सटेंसिवली ऑन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इंडिया, जैसे कि द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया 1971 में एंड पॉलिटिक्स मेनली इंडिया 1978 में। रजनी कोठारी, जिनका कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है और कांग्रेस सिस्टम भी पढ़ाया है, इन्होंने लिखा पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973 में और रीथिंकिंग डेमोक्रेसी 2005 में। तो रजनी कोठारी ने भी काफी इस पे काम किया। इसके अलावा जो राउसो हैं, दरखिम है, इमिल दरखिम, मॉन्टेस्क और वेबर, जिन्होंने कि प्रोटेस्टेंट स्प्रिट जो है कैपिटलिज्म को ड्राइव करती है, वहां उन्होंने कल्चर को घुसा दिया कैपिटलिज्म में से, और दरखिम और राउसो ने भी काफी इस पे काम किया है, मॉन्टेस्क ने भी। तो इन सब का इन्फ्लुएंस और कंट्रीब्यूशन है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। डियर स्टूडेंट, चलिए इस लॉन्ग वीडियो को समअप करते हैं। सबसे पहले तो एक बार फिर से रिविजिट कीजिए कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है। नटसेल यदि हम कहें तो पीपल्स बिलीव वैल्यू एटीट्यूड एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, और अपना रोल उसमें वो कैसा देखते हैं उस सिस्टम में, यही जो है पॉलिटिकल कल्चर है। इसको जितने तरीके से आप एक्सप्लेन कर लीजिए। आलमंड एंड भरवा, हम लोगों ने देखा कि उन्होंने 5 कंट्री का इंपेरिकल स्टडी किया। ध्यान दीजिएगा, इंपेरिकल था ये, बिहेवियरलिज्म के पैटर्न पे मेथड से उन्होंने 1000 लोगों के आसपास जो है 5 कंट्री में उन्होंने सर्वे किया, उनसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे, उसके बेसिस पे उन्होंने जो है 3 टाइप का ओरिएंटेशन आइडेंटिफाई किया। आपने देखा कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवेल्युएटिव, और उस बेसिस पे उन्होंने 3 टाइप का प्योर जो है पॉलिटिकल कल्चर को आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लेन किया, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव। उन्होंने ये कहा कि एक सिविक कल्चर जो है वो उभर सकता है यदि जुडिशियस मिक्स इन तीनों का किया जाए, खास करके सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव का, जहां पे ऐसा होता है सिविक कल्चर में कि सिटीजन बहुत अवेयर हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो डे टू डे जो है वो सड़क पे नहीं उतर आते हैं, हर समय वो जो है आंदोलन के मूड में नहीं रहते हैं, वो थोड़े सब्जेक्ट फीचर भी दिखाते हैं, वो छोड़ देते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे, उनको भरोसा होता है अपने जो रूलिंग इलीट्स हैं उस पर उनको एतबार है, ट्रस्ट है कि वो हमारे लिए सही डिसीजन लेंगे, लेकिन वो सचेत रहते हैं, और जहां उनको फील होता है कि वो एक रास्ते से, एक लिमिट से अधिक भटक रहे हैं, आर्बिट्रेरी हो रहे हैं, तो फिर वो आंदोलन करने में, सोशल मूवमेंट करने में देर नहीं लगाते हैं। इस टाइप का यदि कल्चर है, मतलब जहां की सिटीजन जो है अवेयर हैं, एक्टिव हैं अबाउट पॉलिटिकल इशू, लेकिन दे ट्रस्ट देयर इंस्टीट्यूशन इन लीड लीडरशिप, उसको उन्होंने सिविक कल्चर कहा। और एक तरीके से उन्होंने ये भी थीसिस दिया कि सिविक कल्चर जो है वो डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाता है, वो जो है उसको हेल्प करता है स्टेबिलिटी देने में। तो इसलिए हर कंट्री को कोशिश करनी चाहिए कि अपने सिटीजन में सिविक कल्चर डेवलप करे। देन हम लोगों ने ये भी देखा कि डेनिस कावनाह जो हैं, उन्होंने अपने बुक पॉलिटिकल कल्चर में एक्सप्लेन किया द कॉन्सेप्ट ऑफ सब कल्चर, जिसको उन्होंने कहा कि एक डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप है जो कि एग्जिस्ट करता है विद इन ए ब्रॉडर पॉलिटिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक डोमिनेंट कल्चर के साथ साइड बाय साइड जो है एक डिस्टिंक्ट ग्रुप जिसका अपना जो है सोच है, वैल्यू है, नॉर्म है, बिलीफ सिस्टम है, खान पान है, ड्रेस है, कल्चर है, लैंग्वेज है, और जो एक अलग ही अपने आइडेंटिटी, बहुत ही क्लोज आइडेंटिटी रखता है, और उसका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन अलग हो सकता है जनरल जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन डोमिनेंट कल्चरल ग्रुप का है। उस बेसिस पर उन्होंने काफी सारे थेसिस किए, उन्होंने उसके टाइप भी बताया, उसका इंपॉर्टेंस भी बताया, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहां पे देखिए कि जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है, इसको आपको समझना चाहिए कि ये एक तरह का रिएक्शन था जो रैशनल चॉइस अप्रोच है, बिहेवियरलिज्म है, जो बहुत ज्यादा इसको क्वांटिटेटिव बना देता है पॉलिटिकल साइंस को, बहुत ज्यादा उसको नेचुरल साइंस की तरफ ले जाता है, उसको एक तरीके से बैलेंस करने का था, जहां आइडिया, वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म, इन सब की महत्ता ज्यादा हो जाती है, जहां पे कि ये माना जाने लगा कि पॉलिटिक्स जो है वो कल्चर से गाइडेड होता है। आप यूनिवर्सल लॉ पॉलिटिक्स का नहीं बना सकते हैं। आप जो है अमेरिका में जो पॉलिटिकल एक्शंस या पॉलिटिकल बिहेवियर जिसको पसंद किया जाएगा, वो इंडिया में नहीं किया जाएगा, वो जापान में, जो इंडिया में किया जाएगा वो जापान में नहीं किया जाएगा, जो जापान में किया जाएगा अफ्रीका में नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट था बिटवीन नॉर्मेटिविज्म, जो कि पॉलिटिकल कल्चर या साइकोलॉजिकल टाइप के अप्रोच देते हैं, जो वैल्यू आइडिया को फोकस करते हैं, एंड बिहेवियरलिज्म या एम्पिरिसिज्म, जो कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिफिकेशन को वैल्यू देते हैं। तो उसका एक तरह का अच्छा इंटीग्रेशन था, और आलमंड एंड भरवा ने जो काम किया वो तो बेहद खूबसूरत था, क्योंकि उन्होंने बिहेवियरलिज्म और ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर दोनों को इंटीग्रेट किया। तो इसलिए पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक डिफरेंट जो है आपको एक आउटलुक देता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स को समझने में हेल्प करता है,
कंपैरिजन में भी ये बहुत हेल्प करता है कि जापान के पॉलिटिकल सिस्टम को यदि आपको अफ्रीका से कंपेयर करना है तो आपको उसके पॉलिटिकल कल्चर को समझना बहुत जरूरी है, और तब आप कंपेयर कर पाएंगे क्यों डिफरेंट है क्यों. देन बहुत सारे जो पॉलिटिकल फिनोमिना है उसको केवल आप तभी समझ सकते हैं जब इस तरह के साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर एस्पेक्ट को आप स्टडी करें और समझें कि क्यों ऐसा हो रहा है जो हो रहा है. और जनरलाइजेशन में भी हेल्प करता है, जनरलाइज थ्योरी जैसे आपने देखा आलमंड भरवा ने बनाया, और प्रिडिक्ट करने में भी जैसे लूसियन पाई ने प्रिडिक्ट किया, जैसे आलमंड भरवा ने प्रिडिक्ट किया कि सिविक कल्चर आप डेवलप कर लेते हैं तो डेमोक्रेसी स्टेबल होगा. इस टाइप की जो प्रेडिक्शन है वो भी आप कर सकते हैं, तो काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस है. लेकिन इसकी बहुत बुराई भी बहुत लोग करते हैं, मतलब बहुत क्रिटिकल भी इसके बारे में कहते हैं. सबसे बड़ा क्रिटिकल क्या होता है ना कि आप यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या लोगे. यदि आप पॉलिटिकल सिस्टम लेते हो तो पता लगा एक ही पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे पॉलिटिकल कल्चर हैं, तो क्या करोगे, सब कल्चर का कॉन्सेप्ट आता है. और एक बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम हैं जैसे यूके यूएसए का, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर एक है, तो क्या करोगे. तो ये जो प्रॉब्लम, इसका बाउंड्री जो है वो तय नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों को टर्मिनस नहीं होता है. एक पॉलिटिकल सिस्टम में कई पॉलिटिकल कल्चर और कई पॉलिटिकल सिस्टम को मिला के एक पॉलिटिकल कल्चर हो सकता है, ये प्रॉब्लम है. आप ये देखेंगे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तो आप पॉलिटिकल कल्चर यदि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का लो तो लगभग एक जैसा दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है, हम लोग हिस्ट्री में केवल 70-80 साल पहले एक थे, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम जो है अलग अलग है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, दैट इज अ प्रॉब्लम. देन इसका जो है पॉलिटिक्स बहुत डायनेमिक होता है, जबकि जो है पॉलिटिकल कल्चर जो है ना काफ़ी स्टेटस क्विस्ट होता है, क्योंकि कल्चर हजारों साल में चेंज होता है, तो लेकिन पॉलिटिक्स जो है ओवरनाइट बदलता है. इसके चलते एक प्रॉब्लम होती है, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, इनटेंजिबल है, इंपेरिकल स्टडी इसका बड़ा फ्लॉड है. ऑफकोर्स आलमंड भरवा ने किया, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हजार लोगों का क्वेश्चन पूछ के आप जो है कैसे जनरलाइज कर सकते हो, और जब आप जनरलाइज करते हो तो उसके अंदर जो कल्चरल सब करेंट्स हैं सब कल्चर से उसको तो भूल ही जाते हो, आप एक तरह से कल्चरल होमोजेनाइजेशन करने की चेष्टा करने लगते हो. इन सब के चलते एब्स्ट्रैक्टनेस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और जैसे मैंने बताया कि नॉन होमोजेनिटी जो है पॉलिटिकल कल्चर एक नहीं होता है, जब हम कहेंगे कि पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इंडिया तो इसका कोई खास मीनिंग नहीं होता, उसके अंदर कितने ही सब कल्चर्स हैं जो हमने चर्चा भी किया है. तो ये सारा जो है ओवरलैपिंग कॉन्सेप्चुअल बाउंड्री, मैंने कहा भी कि पॉलिटिकल सिस्टम से ये ओवरलैप, मतलब बहुत सारे में उसको ओवरलैप करता है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल कल्चर का बाउंड्री आपने देखा कैसा है. ये इस तरह से और इशू पे यदि आप डिवाइड करना चाहेंगे पॉलिटिक्स को, तो आप देखेंगे कि कई जगह जो है पॉलिटिकल कल्चर की बाउंड्री जो है आपको परेशान करती है. और ये बहुत नॉन रिग्रेस होता है, ज़्यादा क्वालिटेटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप इसमें क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं हो पाता है. और कॉजल कनेक्शन एक्सप्लेनेशन भी जो है इस पर बहुत लोग क्वेश्चन उठाते हैं. जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आलमंड एंड भरवा ने ये कहा कि यदि सिविक कल्चर डेवलप हो जाता है तो वो स्टेबल डेमोक्रेसी बनाने में हेल्प करता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जस्ट उल्टा इसका है, जहां स्टेबल डेमोक्रेसी है वहां पे सिविक कल्चर डेवलप हो जाता है. अब दोनों में कौन किसका कॉज इफेक्ट है ये तय करना मुश्किल है, इसलिए इस तरह का कॉजल कनेक्शन भी पॉलिटिकल कल्चर से ले आना बहुत ही आसान नहीं है, और इसका इंपेरिकल एनालिसिस तो बहुत ही डिफिकल्ट है. तो ये सारे इसके जो कठिनाई है वो भी आपको एग्जामिनेशन में लिखना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, दीज आर द रेफरेंसेस. डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें. और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो आप एग्ज़ाम गाइड जो सेमेस्टर एग्ज़ाम के हैं आप डाउनलोड इस साइट से कर सकते हैं, और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं. और जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो इसके डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि अभी सब कल्चर का कॉन्सेप्ट आपने देखा, उस टाइप का जो हेजमनी का एंड अदर कॉन्सेप्ट जो पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड हैं, उसको हम लोग जो है चर्चा करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो लेक्चर सीरीज. तब तक के लिए विदा.